इसके अलावा हमारी जो इस 6 दिनों का जो कोऑर्डिनेटर होंगी वो शिल्पी माता जी हैं। वो आपको जो भी आपको प्रश्नोत्तर वगैरह करना है वो यहाँ पे आपके लिए कोऑर्डिनेट करके बताएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू ओंकारेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी लोग कैसे हैं? वो अच्छे हैं? म्यूटेड रहेंगे। हाँ, म्यूट एक हाँ इशारा करिएगा, देखिए कुछ या पूछना है तो हाथ उठाते रहिएगा, ऐसे हाथ उठाना है, हर तरह से जैसे भी आप चाहें वैसे मुझे बता सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, गुस्से वाले, प्यार वाले, कैसे भी। राइट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का इस 6 दिन के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज मुझे कितनी प्रसन्नता मिल रही है कि इस समय जब शनिवार को लोग अलग अलग स्थानों पर जा करके अपने मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं, उस समय आप जो है हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे भगवत गीता के ऊपर, है ना? इसमें बड़ा मजा आने वाला है। हम लोग बहुत एंजॉय करके आज की क्लास करेंगे, और ये मत सोचेगा कि बिल्कुल म्यूट होके रह गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। जब मर्जी आए आप हाथ उठा दीजिए, और अगर मैं फ्लो में नहीं रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई प्रश्न पूछ ले लूं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम पहले 1 घंटा पूरा डिस्कस करें, निचोड़ निकालें कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, और अपने प्रश्न उत्तर को जो है एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और उसमें सारा नोट डाउन करें, है ना? बिल्कुल अच्छा लगेगा। और वो नोट डाउन करके लास्ट में जब जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा उसके बाद हम लोग आराम से प्रश्नोत्तर करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख के जाएंगे, ठीक है? किसी का प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी हमारा आप ये देखिए, जो अभी आपकी स्क्रीन दिख रही होगी इसमें लिखा है हरे कृष्ण गीता का परिचय। तो भगवत गीता का हम लोग परिचय आज लेंगे, और कल से हमारा जो है बड़ा उसके और अंदर गहराई में घुसेंगे। धीरे धीरे हम लोग गहराई में जाते जाएंगे। तो क्या है यह गहरे अध्ययन की नींव रखेगा। किसके गहरे अध्ययन की नींव? भगवत गीता की गहरे अध्ययन की, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसके बाद आपको ये अंदर से रियलाइज होगा कि हाँ इसमें और अंदर जाना चाहिए, और अपने साथियों को बताना चाहिए, अरे भगवत गीता में तो ये सब चीजें हैं, चलो तुम भी आकर के ज्वाइन करो। और इसको हम लोग आज बहुत ही सरल रूप में समझेंगे, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आराम से पूछेगा बिना किसी दिक्कत। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए जैसे हर प्रेजेंटेशन में होता है, पहले उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है और फिर उद्देश्य क्या है। तो अगर हम ये देखें भगवत गीता का, आज जो हमारे आज इस जो आज के दिन 1 घंटा सेशन हम लोग लेंगे, उसमें भगवत गीता के इस चर्चा में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, तो भगवत गीता के मूल संदेश को समझें। तो भगवत गीता का मूल संदेश, अगर मैं पूछूं कि मूल संदेश क्या है, तो क्या होगा? सब लोगों को ये अंदर से लगेगा कि अरे भगवत गीता तो हमने पढ़ रखी है। अच्छा, किसने किसने भगवत गीता को नहीं पढ़ाई करी, कोई बता सकते हैं? कितने कितने लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं। अरे प्रभु जी, ऐसा कौन होगा जो भगवत गीता नहीं पढ़ी? महाभारत ने हमको पूरी भगवत गीता सिखा रखी है ना, कर्म मन्ने वा अधिकारस्ते, सुना है ना सबने? अच्छा, तो भगवत गीता का यानी उद्देश्य क्या है? कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, ये भगवत गीता का सब लोग उद्देश्य निकाल लेते हैं। क्या? कर्म ही पूजा है। या दूसरे लोग से पूछिए, क्या अच्छा भगवत गीता में क्या लिखा है, क्या अच्छा आपको क्या आपने पढ़ा है? भगवान ने ये लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यही उद्देश्य है भगवत गीता का। तो क्या हमारा इतना छोटा सा उद्देश्य है भगवत गीता का? नहीं, भगवत गीता का उद्देश्य बहुत बढ़िया है।
और बहुत अच्छा संदेश है उसका। भगवान ने भगवत गीता में बहुत अच्छे से अर्जुन को बड़े बड़े संदेश दिए हैं और अर्जुन के बहाने हमको संदेश मिलने वाला है ना। तो छोटा सा मतलब नहीं है, भगवत गीता एक महान ग्रंथ है। हम लोग समझेंगे भगवत गीता कितना महान ग्रंथ है। तो कहते हैं हमारी पहचान की स्पष्टता करना। हमारी पहचान, पहचान कह रहे हम तो जानते हैं खुद को, अरे मैं ओंकारेश्वर हूँ, मैं अपूर्वा माता जी हूँ, मैं जो है पंकज प्रभु हूँ, सबका जो मुझे नाम दिख रहे हैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। तो जो है हम लोग जो है ये है वो है, हम तो जानते हैं, इससे भगवत गीता हमारी पहचान कैसे बनाएगी? नहीं नहीं जो हम जानते हैं उसके ऊपर भगवत गीता बताएगी, उसके ऊपर है ना। जो हम जानते हैं, हम क्यों ये जानते हैं कि हम क्या है, लेकिन भगवत गीता कुछ और बताने वाली है, उसके बियॉन्ड है ना। फिर कहते हैं सर्वशक्तिमान के साथ संबंध विकसित करना। भगवान कहते हैं चिल्ला चिल्ला के दहाड़ के बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता, अरे ये सारे लोग मेरे अंश हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, हम ये चीज विस्मृत कर गए। उस जो चीज विस्मृत कर गए हैं भगवत गीता में हमको वो याद आ जाए। हम अपने आप को सोचते हैं कि अरे हम जो है हमारा संबंध केवल चार पांच लोगों से है, कुछ दोस्तों से है, कुछ रिश्तेदारों से है, और वो क्षणिक होता है, थोड़े देर में खत्म हो जाता है, अभी शुरू होता है और फिर कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है, और फिर जो है देखते हैं कि कुछ लोग चले जाते हैं संसार को छोड़ के, शरीर समाप्त होने के बाद कुछ लोग ऐसे ही अलग हो जाते हैं मन मुटाव के कारण। तो कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके साथ मेरा बड़ा सनातन संबंध होना चाहिए। वो जो सनातन संबंध है जो बना हुआ है वर्षों वर्षों, मतलब लाखों करोड़ों अरबों सालों से बना हुआ है, वो कौन है, वो संबंध जानना। अहम बीज प्रदा पिता, भगवान कहते हैं अरे पिता मतलब कहते मैं हूं, तो हम लोग वो समझेंगे है ना, कितना मजा आएगा इसमें, देखिए हम लोग पूरा जानकारी होगी। फिर जीवन के मूल्यों से कैसे हम जुड़ सकते हैं, तो जीवन के मूल्य आप जब पूछे लोग कि कैसे जो है जिंदगी के क्या उद्देश्य हैं हमारे, हम लोग बोलेंगे हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, भैया देखो अब क्या बताएं, अब शादी आदि हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब इनको पढ़ाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, अब तो उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। अच्छा और कुछ उद्देश्य है, हाँ थोड़ा सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, इतना उद्देश्य है, बाकी अब कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा जीवन का। अच्छा तो भगवत गीता बताती नहीं, इसके बाद भी कुछ उद्देश्य है, उसको समझना पड़ेगा कि क्या उद्देश्य है। तो देखिए भगवत गीता हमें पहले बताएगी कि मुख्य संदेश क्या है, क्या क्या चीज हमारे लिए बेहतर है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ बताएगी भगवत गीता। सोचिए भगवत गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। और कहते हैं जीवन के, और फिर हमारे जीवन के जो ये इतना अमूल्य शरीर दिया गया है आपको, अगर किसी ने कहा देखो ये बिल्कुल तलवार, देखो ये तलवार 500 साल पुरानी है, इस तलवार में इतनी धार है कि अगर कोई दुश्मन आए और आप उसका गर्दन काट सकते हैं, फाइट में लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, और आपने क्या किया उससे आलू काटने बैठ गए। यानी आपको तलवार दिया गया क्या करने के लिए दिया गया, युद्ध करने के लिए दिया गया, जीत करके जीतने के लिए दिया गया, और हमने उस तलवार का इस्तेमाल किसमें कर दिया, सब्जी काटने में कर दिया, तो लोग हंसेंगे ना। यानी उसको हमें उस तलवार का मूल्य पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया उसका उपयोग किसमें किया, सब्जी काटने में कर दिया। आपको दिया गया चंदन का लकड़ी का पेड़, पूरा बाग दे दिया गया, पकड़ो तुम बहुत गरीब हो, लो अमीर बन जाओ, इस बाग की लकड़ी को तुम बेच बेच करके छोटा छोटा पीस कितना महंगा मिलता है, तो पूरा बाग मिल जाए करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। हमने क्या किया उसको जला जला के उसका कोयला बेच डाला, फिर गरीब गरीब रह गए। ये तो ये शरीर हमें क्यों मिला है, हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन का मूल क्या है, क्या मैं आहार निद्रा भय मैथुन यही करने के लिए, खाना पीना सोना यही बस, ठीक है खाना खाओ और जो है सो जाओ है ना, डरते रहो जिंदगी भर कोरोना ना लग जाए, नौकरी ना छूट जाए, और लगातार बच्चे एक दो बच्चे हैं हम लोग, हमारे तो बस इतना बहुत है ना। नहीं जीवन के मूल और भी हैं, आज हम वो भी सीखेंगे इस 6 दिन के सप्ताह में, 6 दिन के सत्र में हम वो भी सीखने वाले हैं, बहुत अच्छा आनंद आएगा, देखिए कितनी गहरी गहरी बातें सीख। अब क्या है उद्देश्य, उद्देश्य और जो है जो उद्देश्य है वो क्या है हमारा,
शाश्वत आनंद और शांति पाने के लिए भगवद गीता का व्यावहारिक दृष्टिकोण। हमारे जीवन का उद्देश्य एक्चुअली क्या है, आप सोचिए, सुख प्राप्त करना। आप किसी से पूछो आपको जीवन में क्या मिल जाए, आप कहेंगे सुख, है ना। आरती में हम लोग ये तो कहते हैं सुख संपत्ति घराना चाहिए। तो अगर सुख पाना है, अगर हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, तो सबसे पहले क्या चाहिए उसके लिए, शांति चाहिए, है ना। शांति होगी तो सुख होगा, और अशांत मन के साथ सुख नहीं होता ना। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, ऐसे एक लाइन बोलते हैं, मैं छोटा छोटा लाइन बोलूंगा, अभी बहुत देर लेके जाऊंगा, अशांतस्य कुतः सुखम। अरे जो अशांत लोग हैं उनको सुख कहाँ से मिलेगा, तो हम शांति कैसे प्राप्त करें। अरे जीवन में मैंने सुख प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया प्रभु जी, जब मैं छोटा था मुझसे बोला गया अरे पढ़ लिख जाओ, ट्वेल्थ कर लो बस, फिर तो आराम है कॉलेज में। अच्छा ट्वेल्थ कर लिया, अब बस कॉलेज पास कर जाओ, 4 साल बीटेक इंजीनियरिंग कर लो, फिर तो आराम ही आराम है। 4 साल खूब रगड़ के पढ़ाई करी, उसके बाद फिर जो है निकले तो नौ, एक बार जॉब लग जाए, जॉब लगी तो खूब पार्टी हुई, और पता चला 1 साल बाद हुई जॉब बड़ी बेकार लगने लगी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गई, बाद में लड़ाइयां शुरू हो गई, बच्चे हो गए, अरे तो पहले दिन जब बच्चा हुआ तो खूब पार्टी करी, और दूसरे दिन से दुख प्राप्त हो रहे, गीले में सो रहे हैं, सूखे में सो रहे हैं, बच्चा रो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, ये नाना प्रकार के दुख मिलने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब हम सुख की तलाश में लगातार दुख की खोज करते जा रहे हैं, है ना, लगातार सुख कर रहे हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि घर नहीं, शादी नहीं करना, बच्चे नहीं पालना, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब उसके साथ रोटी बनानी है तो उसे घी लगाना है, वो घी हम नहीं लगाते तो मैं रोटी सूखी लगती है। हलवा बना दिया, चीनी डालना भूल गए, है ना। हमें दुख क्यों लगता है, यानी अगर आप सोचो आपको जो है किसी ने खीर दी और खीर बड़ी मीठी है, लेकिन थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल दी देगी तो खीर की मिठास मिलेगी लेकिन मुंह में कर्कश कर्कश लगता रहेगा, तो लगेगा अरे खीर किसने खिला दिया, है ना। कि कलयुग ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है, हम मिठास खाने खाने के चक्कर में दांत में कर्कशता बढ़ती चली जाती है, और हमेशा आप जो है पकड़ते रहते कुछ मिल जाए, अब इससे, अरे एसी से आराम मिलेगा, पंखे से नहीं, और एसी लगा लिया तो जुकाम हो गया, अब एसी बैठ के बाहर निकले तो गर्मी लगने लगी, हाँ क्या करें इतनी गर्मी लग रही है ना। तो हम लगातार शाश्वत आनंद की तलाश में नहीं है, हम पर्टिकुलर छोटे से सुख, क्षणिक साधनों से क्षणिक सुख मिलेगा। प्रभु जी माता जी हमें क्षणिक साधन नहीं, परमानेंट सोल्यूशन, और हम इन 6 दिनों के सत्र में परमानेंट सोल्यूशन सुनेंगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त करें हम वो भी समझेंगे। ठीक है, अब अगले स्लाइड में चलते हैं शिल्पी जी। तो भगवत गीता की थोड़ा सा महिमा सुन लेते हैं, भगवत गीता क्या है। अब आप कहेंगे भगवत गीता की महिमा, जिसने पढ़ी उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ी उसको पता, भगवत गीता में थोड़े से कुछ ही सामान लिखा है ना, लेकिन भगवत गीता है क्या ये सोचिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने, जो कि परम ईश्वर है, ब्रह्मा जी कहते हैं परम ईश्वर भगवान को, ईश्वरा परम कृष्णा, परम ईश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, वो स्वयं कृष्ण भगवान के द्वारा बोली गई ये गीत है भगवद गीता। तो उन्होंने गाया है इसको, लिटरली गाया, अच्छे से श्लोक को गाए हैं। तो जब भी हम भगवद गीता पढ़े तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, गा करके। आप सोचिए अगर कोई पिक्चर जो है में गाने आए आपके, मान लीजिए है ना, और गाने आए और आपने किसी ने कहा अच्छा वो गाना सुना दो, और आप सुनाए ओ साथी रे तेरे बिना, तो कह रहे बस तू कस कर यार बहुत हो गया। तो भगवद गीता जब कहिए तो गा के गइए, है ना, धृतराष्ट्र वाचा, ऐसे बिल्कुल सुर के साथ, बड़ा मजा आए। फिर सीधे भगवान कृष्ण ने बोली है इसको, इसका तो वैल्यू ऐसे ही बढ़ गया, है ना। जब प्राइम मिनिस्टर 4 लाइन बोल देता तो 4 लाइन हर जगह छप जाती है। आप अपने जो है जितना भी चाहे ट्वीट करते रहिए, उसका कोई वैल्यू है क्या, कोई देखता नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने 4 लाइन ट्वीट कर दिया तो पूरे विश्व में फैल जाती है, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण ने ट्वीट किया है भगवद गीता में। हमें इसको समझना है, मनुष्य और सर्वोच्च भगवान के बीच में बहुत, मनुष्य कौन है, अर्जुन, बहुत उत्तम वार्तालाप। अब इसमें एक अंतर है, ये जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य है ये भगवान का परम भक्त है, और जो भगवान कृष्ण है वो परम ईश्वर है। तो एक परम भक्त और परम ईश्वर के बीच का वार्तालाप है। तो परम भक्त भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, या कह सकते हैं कि भगवान कभी कभी अपने परम भक्तों के माध्यम से हम जैसे कलयुग में, कली काल में फंसे बद्ध जीवों के लिए कई बहुत ज्यादा संदेश छोड़ देते हैं।
तो भगवान ने यहाँ पे क्या किया है, हमारे लिए बहुत संदेश छोड़े हैं भगवद गीता में, है ना, बहुत संदेश छोड़े हैं उन्होंने, बहुत अच्छे संदेश छोड़े हैं, हमें इसको बहुत अच्छे से सीखना है। फिर कहते हैं इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और 40 मिनट में जो भगवान ने अर्जुन को समझा दिया था, और अर्जुन ने 40 मिनट में समझ लिया था, लेकिन उसके इसमें क्या हुआ, उसको पढ़ने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते, हमें समझ नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमें कोई भगवान जैसा गुरु हमने धारण नहीं किया। या कह सकते हैं गुरु जो हमें भगवान से बिल्कुल जो उनको प्रतिनिधित्व करता है भगवान का गुरु, उनको अगर हम देख ले, उनके पास चले जाएं, तो वो क्या करेंगे, हमें भगवान से डायरेक्ट जो कनेक्शन कर देते। और जो ये सच्चो, ये तो उस समय हमें भगवद गीता बहुत तेजी से समझ में आई। तो इधर इधर क्या है, प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज गुरु हैं, जिन्होंने सब कुछ इसमें बहुत अच्छा लिखा, इसलिए भगवद गीता एज इट इज यथा रूप आप लोग सुनेंगे, इसमें कुछ मिलावट नहीं है कि मिक्स करके बना दिया, हाँ भगवान ये कहते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, कहीं किसी लेखक का हिसाब नहीं, भगवान का ही सारा हिसाब किया गया। इसमें 5180 साल पहले ये आखिरी बात भगवान के द्वारा बोला गया, उसके पहले सूर्य भगवान को बोला गया था, और इसको सुना किसने, किसने, संजय को व्यास देव जी ने दृष्टि क्या खोसी, दिव्य दृष्टि दे दी, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके संजय ने सुना, संजय ने किसको सुनाया, धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन धृतराष्ट्र में कुछ असर आया क्या, कोई असर नहीं आया, क्योंकि धृतराष्ट्र कौन सी बुद्धि से सुन रहा था, कि वो भगवान को भगवान के स्तर पे लेकर के नहीं सुन रहा था। जब हम भगवद गीता हमें कब पूर्णतया समझ में आएगी, जब हमें पहले भगवद गीता के ऊपर पूर्ण श्रद्धा हो जाए, पूर्ण श्रद्धा, और भगवद गीता को जिसने बोला है उसमें पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण समर्पण, अर्जुन पूर्ण समर्पित, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं धैर्य खो चुका हूं, मैं फंस गया हूं, मुझे पता नहीं चल रहा क्या करना है, कृपया बताइए, यत श्रेयस्यात् भूहितर में शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और मेरे लिए जो श्रेयस्कर है मुझे बोलिए, आज आप यही मन में थामिए, ये जो 6 दिन का सत्र है इसमें हमको ऐसे ही भाव से बैठना, हमें भगवान गुण वार्तालाप को सुनना है, समझना है, महसूस करना है और ग्रसित करना है, अंदर तक लेकर जाना है, ताकि हम भगवान की उन चीजों को लगातार मेमोराइज दिमाग में रख सके, याद कर सके और अपने जीवन को वैसे ढाल सके। अगली स्लाइड में आते हैं। इसमें जो है श्रीमद भगवद गीता का ये थोड़ा फ्लो चार्ट है, आपको दिखाई देगी, ये कहां से निकली है, ये महाभारत से है ना, वेद व्यास जी ने लिखा था इसको, व्यासदेव जी ने, और उस भाग महाभारत के अंदर एक इसको कहते हैं उप कथा के रूप में प्रकट है, ये छोटा सा भाग भगवद गीता है, तो महाभारत पूरी एक तरफ, और जो है इसलिए गीतोपनिषद बोलते हैं, ये उपनिषद के नाम से जाना जाना गया है, हम और गहराई समझेंगे उपनिषद क्या है, उप क्या मतलब क्या है समझेंगे, लेकिन अभी समझिए उसमें एक छोटा सा टुकड़ा निकाला गया है, और कहां पे बोला गया, युद्ध के मैदान में। आप कहेंगे प्रभु जी हम तो युद्ध के मैदान में खड़े नहीं है, तो हमको सुन के क्या फायदा इसका अच्छा बताइए ऐसा कौन सा दिन है जिसमें आप युद्ध नहीं करते, आज माता जी सुबह से माता है, मैं सुबह पराठे बनाऊं कि पोहा बनाऊं, पराठा बनाऊं कि पोहा बनाऊं, एक युद्ध चल गया अंदर मन में, ऑफिस जाऊं नहीं जाऊं, मैनेजर ने बोला छुट्टी लू नहीं लू, ये काम करो, डेली डेली का युद्ध है, मुझे बिजनेस करना है कि नौकरी करना है, मुझे भक्ति में इस समय मुझे 7 से 8:30 का ये कथा जो सुननी है कि मॉल जाना है, ये छोटे छोटे युद्ध हैं, कुछ बड़े बड़े युद्ध भी होते हैं जो हमको जीवन में समझ नहीं आते हमें क्या करनी चाहिए, उसलिए हम सब लोग संघर्ष में हैं, जैसे अर्जुन संघर्ष में था वैसे हम सब नित्य संघर्ष में है, कोई एक क्षण भी हमारा सुख से नहीं बीतता, हमें लगता है कि हम सुखी हैं, अरे आपके प्रभु जी हम तो पूरे सुखी हैं, हमें क्या, हमारा तो कुछ नहीं, देखिए स्वास्थ्य ही ना, नो बीपी नो शुगर नो हार्ट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मजेदार चल रहे हैं, क्या दुख है, अभी कोरोना आया था ना बीच में, है ना, तो जैसे इधर जैसे संजय लगातार धृतराष्ट्र को बता रहा था अरे भगवान है, उन्होंने दिव्य रूप दिखाया, समझ जाओ यही भगवान है, और अंत में बोल दिया था कि यही जीतेंगे जहां अर्जुन और कृष्ण वही जीतेंगे, तो जहां हमने जीवन में अपने जीवन में कृष्ण ले लिए, किसकी विजय होगी,
अपनी विजय पक्का निश्चित है, हर दिशा में विजय होगी। तो कहते हैं युद्ध के मैदान में दार्शनिक और धार्मिक संवाद है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई है और अर्जुन ने निर्देशों को प्राप्त किया और समझा। दो चीजें, एक निर्देश लेना और एक समझना, और समझ करके एक उन निर्देशों को पालन करना। तो अर्जुन ने वो भी किया है ना। तो जो है अब हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं। तो गीता है क्या, गीता का महात्म्य क्या है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान विष्णोपादं अवाप्नोति भयशोकादि वर्जितः। भगवत गीता क्या है, दिव्य साहित्य है, और इसको जो ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है, और जो मुक्त हो और जो उसको सुनता है वो मुक्त हो जाता है ना। भय शोकादि वर्जिता, यानी भय और शोक, अब हमारे जीवन में क्या चीज है, हमें क्या परेशान करता है, भय शोक, कौन हर किसको भय नहीं है। सोते वक्त ये भय रहता है कि कहीं सुबह देर से उठे तो कहीं बच्चों की स्कूल ना छूट जाए, ये सबसे छोटा भय है, और सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे दूसरा बड़ा भय है ना। हर तरह कहीं कोरोना हमें ना हो जाए, ये भय है ना। धृतराष्ट्र को संजय चीख चीख के बोलता रहा, अरे भगवान है भगवान है, हम नहीं मानते भगवान है ना, कोई जो है हम तो नहीं मानते भगवान है, ये तो मायावी है ना, लगातार यही सोचते रहे। वैसे यहाँ न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे, अरे कोरोना बाहर है मास्क लगा लो, अरे कहाँ कोरोना है बताइए, बस झूठ बोलते हैं राजनीति के चक्कर में लोग ऐसे बोलते रहे, अंत में क्या हुआ, फंस गए। वैसे जो बोले भगवान है नहीं माना, फंस गए। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा एक पत्रकार ने कि अरे प्रभुपाद जी आप ये बताइए, आप लगातार कहते हैं कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान है, आप लगातार पूरे संघर्ष भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, और अगर मृत्यु के पश्चात शरीर छोड़ने के पश्चात आपको पता चले कि ये तो भगवान कोई है ही नहीं, ये तो केवल वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो फिर जो है आप तो फिर तो बड़े बुरे, आपको तो बड़ा बुरा लगेगा। प्रभा जी कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, अगर तुम नहीं मान रहे हो, मान लो भगवान नहीं है नहीं है, और लेकिन मृत्यु के पश्चात अगर पता चला भगवान कृष्ण ही भगवान थे या है, जीवन रहते पता चल जाता काश, तो बेटा तुम तो फंस गए, यानी तुमको तो पता नहीं चला क्योंकि तुमने पूरा जीवन ऐसे ही गंवा दिया, केवल अपने 4 चीजें, जो एक इंसान और एक नॉर्मल जानवर में यही अंतर है ना, कि उसके पास एक्स्ट्रा बुद्धि है, समझ सके कि मेरा जन्म क्यों हुआ है ना, मुझे मेरे आने का कारण क्या है, मुझे जो इंसान का शरीर ये मनुष्य शरीर दिया गया है इसके पीछे क्या कारण है, क्या बस यही कारण है कि मैं आऊं और मजे करूं, 4 दिन की चांदनी में खाओ पियो मस्ती करो, दोस्तों साथ घूमू दारू दारू, और इधर गए उधर गए बढ़िया घूमे फिरे मस्ती करे, बाद में चले गए। भगवान ने देख ये नाव मैंने तुम्हें दिया था नदी से किनारे पहाड़ आने के लिए, और तुम तो समुन्द्र में जाके डूब गए, ये शरीर रूपी नाव हमें किसने दिया है, भगवान ने नदी से, हम नदी में फंसे हुए मान लिए तो कहते बाहर आ जाओ बेटा किनारे आ जाओ, और तुम तो अपने इस नाव के साथ तैर तैर के समुद्र में जाके डूब गए, क्या फायदा हुआ इसका, है ना। तो जो है अब अगले स्लाइड में चलते हैं। तो क्या है, भगवत गीता का अभ्यास क्यों करें, अब ये क्वेश्चन प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी आप ये बताइए, आप कह रहे हैं भगवत गीता का अभ्यास करो अभ्यास करो, हमें क्यों करना चाहिए अभ्यास, क्या फायदा है। अब आप जरा ध्यान लगा के सोचिए, क्योंकि अब एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लगातार अंधेरे में होते हैं ना तो हमें प्रकाश की आदत नहीं रहती, तो हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर प्रकाश है ना, हमें नहीं पता चलता कि बाहर प्रकाश है, आइडिया नहीं लगेगा, और लगातार कोई प्रकाश में रहे तो उसको अंधार अंधकार पता नहीं चलता, तो हमको ना आस पास क्या है जो माहौल है ना हमें आइडिया नहीं लगता कि हम डेली उसी माहौल में जीते हैं। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, अगर आप आस पास किसी भी व्यक्ति को देखिए उनमें ये क्वालिटी जरूर मिलेगी, उसके अंदर या तो क्रोध होगा एनवी होगा, वो दूसरों को सामान हड़पने की उसकी इच्छा होगी हमेशा, इग्नोरेंस अज्ञानी होगा है ना, और उसके अंदर झूठी प्रतिष्ठा, अरे तुम जानते हो नहीं कि मैं कौन हूं, दोबारा से बिल्कुल बोल मत देना है ना, इसी
ये क्या है, फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी उसके अंदर प्रतिष्ठा है, अहंकार है और आकर्षण रहता है हमेशा दूसरों के प्रति। जो है जो जैसे अदर जेंडर्स जो होते हैं उनमें आपस में आकर्षण रहता है, लगातार उन्हीं को विषय में सोचना, और जो है लालच, ये सब चीजें आपको आसपास दिखाई देंगी लगातार। और इसमें इसमें लगातार फंसने से क्या होगा, लगातार बने रहने से क्या नुकसान होगा, अगर लगातार हम इसे बने रहे तो हमको भी उसी की आदत पड़ जाएगी। हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छे स्लाइड्स हैं, बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको। कहते तो ये क्या करने वाला भगवद गीता, सबसे पहले एक चीज करेगा, चेतो दर्पण मार्जनम, आपके चित्त के दर्पण का मार्जन करेगा। यानी चित्त क्या है, हृदय है ना, आपकी चेतना, आपका जो शरीर में चेतना है तभी शरीर बोल पा रहा है ना वो। लेकिन चेतना क्या हो गई है ना, जैसे ट्यूबलाइट के ऊपर आप कुछ पीली पॉलिथीन चढ़ा दें तो क्या होगा, पीला पीला नजर आने लगेगी। इससे हमारी चेतना ना दूषित हो गई है, इस सब चीज के बीच में रह रह करके हमारी चेतना कब दूषित हो गई ना, हमें पता ही नहीं चलता, हमें आइडिया नहीं लगता। आप बाइक में सुबह निकलिए और पोल्यूशन से शरीर में कितना गंदगी आ गई आपको पता नहीं चलेगा। कब पता चलता है, जब पानी में डालते तो उसको निचोड़िए तब पता चलता, और इसमें इतनी गंदगी थी। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, बाहर से घर गए और कपड़ा को निचोड़ा, और जब निचोड़ा तो उससे निकला, तो अपनी चेतना को निचोड़ना पड़ेगा, और कौन निचोड़ेगा, भगवत गीता निचोड़ के रख देगी, और उससे जब निकल के बाहर और गंदगी आएगी तब पता, अरे चेतना इतनी गंदी थी मेरी। तो इसमें क्या, यह ज्ञान हमें तुच्छ गुणों से शुद्ध करता है, और जो मुख्य रूप से जीवन के निम्न रूपों और अज्ञानी लोग में पाए जाते हैं, है ना। तो जो है जो अज्ञानी है या जो निम्न लोग होते, जैसे जो मनुष्य रूप में नहीं है, योनि में नहीं, अलग अलग योनि में है, उनमें क्या होता है, उनका एक लिमिटेड स्कोप होता है, मैं यही करूंगा, इसके अलावा उनको करना नहीं। वो भगवान को किसमें देखते हैं, खाने में देखते हैं, खाना मिल जाए बस, वही उनका भगवान है ना, जिससे लोगों को परेशानी के साथ क्या है। अब हम लोग अपने अज्ञान के कारण, अब आप सोचिए, अगर आप किसी के घर में गए, उसके घर में पंखा नहीं दिखाई दिया, और आप उधर थोड़ा गर्मी भी है और खिड़कियां भी नहीं है, और आपको कहे प्रभु जी माता जी आप यहाँ सो जाइए, आप पहुंचे और उसने बताया नहीं कुछ, इनका इंफॉर्मेशन नहीं दी और आप चले गए, तो रात भर आपको गालियों के अलावा कुछ और देने वाले नहीं है। देखो मुझे घर बुलाया और कमरे में बिल्कुल पैक करके यहाँ सुला दिया, थोड़ा थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए ना। अब वो दूसरे दिन आप उठे, आपने सेवा तो आपने बहुत अच्छी करी, लेकिन थोड़ा पंखा अंखा होता कमरे में, अच्छा आपको पता नहीं चला क्या, अरे यहाँ पर तो एसी लगा हुआ था, वो थोड़ा सा ना सब कुछ जो है इनबिल्ट एसी है, तो आपको बाहर निकला हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पे इस बटन से ये एसी ऑन हो जाता है। आपको अरे एसी था लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं था, हाँ यही काम तो गुरु करता है ना, हम अज्ञान नहीं है, हमें हम अज्ञान में है, इसीलिए तो फंस गए हैं, इसीलिए तो दुखी हुए रात भर, इसीलिए तो पूरे जीवन दुखी रहते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए, अरे इस बटन को दबाने से ये हो जाएगा, इस बटन को दबाने से मुझे सीधे सीधे परम आनंद मिल जाएगा, और मैं जिस सुख की तलाश, आप कोयले की खान में घुस करके सोचते हैं कि मैं साफ सुथरा बाहर निकल आऊं, है ना, कोयले की खान में घुसेंगे तो कोयला तो लगेगा ही लगेगा, वैसे ही हम लगातार इस समय कहाँ है, कहाँ पर है, इस जगह केवल इस पूरे समाज में केवल अगर आप देखेंगे तो कभी ये कष्ट, पेपर उठा दीजिए न्यूज पेपर, आप देखिए आज ये मर गया, कल वो एक्सीडेंट हो गया, परसों उसका तलाक हो गया, नर्सों ये हो गया, ये हो गया, पूरा न्यूज उसी से भरा मिलेगा। आप अरे कौन सुने ये न्यूज, कभी सुखद समाचार मिलता है सुनने में। हमें जीवन के उद्देश्य का एहसास, हमारे जीवन का कुछ तो उद्देश्य होगा ना, जैसे मैंने बोला उस जीवन के उद्देश्य का हमें एहसास कराती कराएगी भगवत गीता। ये हमारे चित्त के दर्पण का जब मार्जन कर देगी ना, तो हमारा हृदय का जो शीशा इतना साफ हो जाएगा कि हम उसमें देख पाएंगे खुद को, और हम एहसास कर पाएंगे कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। कहते हैं हमें और आत्मसंयम, संतोष और सद्गुणों में रहना सिखाते। संतोष ये बहुत बड़ा शब्द है, इनको हम आगे भगवद गीता में बहुत अच्छे से समझेंगे। सद्गुण क्या होते हैं, तो हम भी तो सद्गुण में है, ये करते हैं वो करते हैं, आप सद्गुण में है और भी कुछ होगा, उस गुणों के ऊपर भी कुछ होगा, है ना, वो गुणों के ऊपर क्या चीज है वो हम समझेंगे। और व्यक्ति की सोच के ऊपर उठाता है,
तो व्यक्ति की सोच, हमारी सोच, हम सो कह सकते हैं हमारी सोच से कोई नीचे नहीं है। हम सुबह उठते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, हमारी सोच तो बहुत सही है। हम इसमें हमारी भगवद्गीता क्या मदद कर सकती है? हाँ, तो जब तक आप जाकर के देखेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि शेर में पावर कितनी है? है ना, मैं शेर से नहीं डरता, छिपकली से डरता हूँ, क्योंकि शेर के सामने गए नहीं ना कभी। तो एक बार भगवत गीता में डुबकी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे उसके ऊपर भी कुछ है। जैसे एक छोटी सी कहावत है, कहानी है, एक कुएं के अंदर दो मेढक थे। एक मेढक दूसरे से बोलता है, तुम्हें पता है अरे बहुत बहुत बड़ा समुद्र है, कोई मुझे बताया था, बहुत बड़ा कोई समुद्र है जहां जितना चाहो उतना तैर सकते हो। ये कहता, दूसरा कहता, पागल हो गया, इतना ही बड़ा होता है, बाहर कुछ नहीं होता, सूखा है सब कुछ, आइडिया नहीं, हम सबसे सुखी जगह पर हैं। हाँ, हमने खुद को सबसे सुखी जगह मान रखा है, इसीलिए सबसे ज्यादा दुखी दुख प्राप्त करते रहते हैं। और जिस दिन एहसास हो जाएगा कि अरे हमारे पास तो कुछ और भी चीजें, उद्देश्य है, कुछ और भी है इसके अलावा, तो सोच अपने मन से उसको पकड़ने के लिए हो जाएगा, है ना, तब हम लोग और इसमें मेहनत करेंगे, तो परिणाम क्या होगा इसका? शाश्वत आनंद, जिसकी खोज हमने जीवन भर करी और जीवन भर शाश्वत दुख भोगते रहे। इस दुखालयम के अंदर हमें सुखालयम बनाना चाहे लेकिन बना नहीं पाए। बनाने का एक ही तरीका है, क्या है? हम भगवत गीता में समझेंगे उसको, है ना। छह दिन के सत्र में बहुत कुछ समझना है। फिर कहते हैं शाश्वत आनंद और बुद्धि का लेवल और ऊपर हो जाना चाहिए। अब हम लोग अगली साइड देखेंगे, भगवान कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष। परम पुरुष मतलब केवल वही एक पुरुष है, है ना। तो परम पुरुष मतलब सबसे प्रथम, यानी पहले पुरुष भी यही है, अनादिरादि, प्रारंभ के प्रारंभ भगवान कृष्ण है। आप कहेंगे मैंने तो भगवान कृष्ण को केवल महाभारत के समय पे देखा था द्वापर युग में, आप कह रहे हैं पहले से पहले, ऐसा कैसे? वो भी हम भगवद गीता में समझेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, उस मिसिंग को पकड़ेंगे ना? भगवान सभी भौतिक दोषों से परे हैं, भ्रम और दूषण से मुक्त हैं। वो ये तो बिल्कुल बहुत, जिनसे जिनके द्वारा चीजें निकलती हैं वो उनमें लिप्त नहीं होते। लगता है कि द्वापर युग में देखो भगवान भी लड़ाई किए, भगवान भी कष्ट में रहे, ये दो जेल में पैदा हुए, ये सब चीजें लग रहा है, क्योंकि तो हमारी ना उतना भी हमने समझा नहीं है, उस लेवल पे हम अभी सोच नहीं पाए हैं, इसलिए हमें ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन जिस दिन हम इसको समझ लेंगे, हमें लगेगा अच्छा भगवान ये हैं, हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, वो सबको हम समझेंगे। परमात्मा के संदेश को परंपरा में आने वाले महान गुरु द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, अगर हम, भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, समझेंगे कैसे? ब्रह्मा जी, हम आगे समझेंगे, ब्रह्मा जी से आगे नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास देव जी से शुभदेव गोस्वामी को मिला, शुभदेव गोस्वामी से जो है आगे बढ़ता बढ़ता प्रभुपाद जी तक आया, और प्रभुपाद जी से उनके भक्तों तक, डिसाइपल तक आया, और जैसे हमारे गुरु महाराज तक आया, राधा गोविंद महाराज तक, उनके बाद हमको जो उन्होंने ज्ञान दिया हम आगे बांट रहे हैं, ये एक परंपरा से चला आ रहा है। इसलिए आपको अगर आप समझना चाहते हो तो इसी सीरीज में रह के समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सच में एज इट इज भगवद गीता समझ में आएगी। तो अगली स्लाइड में अगर जाए तो हम लोग क्या क्या, किस किस विषय में भगवद गीता डिस्कस करती है, क्या क्या बातें करती है भगवद गीता? कहते हैं ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, है ना। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म, ये है। आप कौन से हिस्से में आते हैं हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग समझेंगे, इसको एक एक टॉपिक में अच्छा अच्छा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ईश्वर को हम लोग बदल नहीं सकते, काल समय को बदल नहीं सकते, समय तो अपने तरफ से ही आएगा, जीव को हम बदल नहीं सकते, प्रकृति को हम बदल नहीं सकते, क्या बदल सकते हैं? कर्म बदल सकते हैं, है ना। और जो कर्म बदल सकते हैं वो कर्म हमको बदल सकता है, कैसे? वो भगवत गीता बताने का, है ना। हम कर्म बदलेंगे तो कर्म हमारा हमको बदल देगा, हमारे आगे आने वाले महान कष्टों को बदल देगा, बहुत कुछ बदल देगा कर्म। तो उस कर्म में कंट्रोल कैसे करें, हम भगवत गीता में समझेंगे, ठीक है। तो इन विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले छह दिन के सत्र में। अब जो है, अब कुछ कुछ प्रश्न सभी लोग पूछते हैं,
प्रभु जी आप ये बताइए, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? अरे बड़ा खतरनाक प्रश्न है ये तो। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बोला ना हो, देखिए कितना अच्छा आदमी था बेचारा, उसके घर में चोरी हो गई, कितना अच्छा आदमी था बेचारा, सड़क में एक्सीडेंट हो गया। अच्छे लोगों के साथ भगवान बुरा कर देते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हे कृष्णा बताइए मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था, मैं तो केवल सबका भला ही करता हूँ। अरे तो उसका बताएंगे ना आंसर, भगवत गीता में है उसका आंसर, आप चिंता ना करिए। जिसको लगता हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अगर कोई कहता मैं ही इतना सुखी क्यों हूँ, उसका भी आंसर भगवान ने दिया, तुम ही इतने सुखी क्यों हो, और कोई कहता मैं ही इतना दुखी क्यों हूँ, उसका भी आंसर भगवान ने दिया। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कई लोग अरे ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है भाई, आपको लगता है लेकिन है नहीं, ये प्रकृति है सब कुछ, और ये जीवन का कुछ नहीं बचने वाला। अच्छा कुछ नहीं, मैं बड़ा बड़ा महान ज्ञान है आपको, कौन से शास्त्र से पढ़ा है आपने? स्वयं के शास्त्र से पढ़ लिया दूसरे शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं, एक शास्त्र खुद लिख दिया उसी को पढ़ डाला है ना। मैं कौन हूं? आप कहेंगे प्रभु जी ये तो केवल पागल लोग पूछते हैं, जिसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और गिर जाता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, अरे मेरा कौन रिश्तेदार है, ये पूछते ना तो कहते फिर से सर में इसके एक मारो, उसको याद आ जाएगा है ना, ऐसे बोलते हैं ना। अरे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अरे कोई मेरा नाम तो बता दो, है ना। ये सच में ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम ठोकर खा के यहाँ कलयुग में गिरे हैं, यहाँ करके इस भौतिक जगत में हम ठोकर खा के गिरे हैं, और बहुत झटके के साथ गिरे हैं, और इसलिए हम भूल गए हैं, और जो दिख रहा है एक्चुअली वो है नहीं। कल तक कहते ना, कल तक जो मेरा था आज वो किसी और का है, और जो आज कल किसी और का था आज वो मेरा है, ऐसा है ना। जिस जगह आप रह रहे हैं वो जगह आपकी थी क्या 100 साल पहले? नहीं, 10 साल, 50, 5 साल, 6 साल या 20 साल पहले खरीदी होगी आपने, या किराए पर रह रहे होंगे। इन जो जगह में हम रह रहे हैं वो, और जो खरीदी भी उसमें भी किराए पर रह रहे हैं, और सबसे खास बात है ये शरीर पे भी किराए पर रह रहे हैं। 100 साल बाद ये शरीर चला जाना है, छोड़ देना यहीं पे, अभी कोई दूसरा शरीर धारण करना है ना। यानी यहाँ तो क्यों किराया ही किराया है, कोई परमानेंट नहीं है। तब भी लोग कहते हैं प्रभु जी मैंने परमानेंट घर बना लिया। अरे हमने सरकारी लड़का ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे परमानेंट नौकरी है ना। अच्छा प्राइवेट नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि उसका तो नौकरी छूट जानी है उसकी। तो जो है यहाँ, लेकिन यहाँ सब कुछ वो तो यहाँ पे जो ठोकर लगा है सर में, उस समय पता चलना चाहिए कि मैं तो, हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद से, मैं कौन हूँ? और इसका आंसर किसने दिया है? भगवान ने दिया है भगवत गीता में। 6 दिन में बड़ा मजा आने वाला है ना। फिर कहते हैं इतने सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो भगवान एक ही कैसे? हाँ भगवान ने बताया ना उसका आंसर, उसका भी आंसर मिलेगा। तो आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम भाग्य बनाते हैं, भाग्य हमें नहीं बनाता। इसका उत्तर भगवत गीता देगा कि भाग्य हमें बनाया है कि हम भाग्य बनाने वाले हैं, इसको हम लोग समझेंगे तो बिल्कुल और बहुत कुछ सीखेंगे। सीखना है ना, तो इस 6 दिन जो ये ट्रेन चल पड़ी है ना, ये 6 दिन उस ट्रेन में बैठे रहिएगा, एक डिब्बा से उतरिएगा नहीं, ये 6 दिन का सफर है। डेली 1-1 घंटा चलेंगे और मंजिल तक पहुंचने के प्रयास करेंगे, और फिर हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं। इस ट्रेन में ये छुक 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 चलती रहेगी है ना, और कभी कभी बीच बीच में विसलिंग भी करेगी, तो उसको हम लोग सुनेंगे, ठीक है। अगला जो है स्लाइड में चलते हैं। आपके प्रभु जी इतना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, 1000 चीजें, कुकिंग है, सिलाई सीखना है, कुकिंग सीखना है, और पता नहीं क्या क्या सीखना है, तो इतने सीखने से टाइम नहीं मिलता। आप कहते आध्यात्मिक सीखो। हाँ तो इसको क्यों सीखें? क्योंकि कुकिंग से क्या मिलेगा, और सिलाई सीखने से क्या मिलेगा, और आईटी इंजीनियर बनने से क्या मिलेगा, और आध्यात्मिक से क्या मिलेगा? जब आपको अंतर पता चल जाएगा ना, आप कहेंगे क्या मैंने जीवन के इतने समय को ऐसे बेकार व्यर्थ कर दिया, ये मुझे बात पहले क्यों नहीं पता चली? अरे ये मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अभी तक कमाल कर देता। लेकिन भगवान कहते हैं कभी लेट नहीं, कभी भी लेट नहीं है, जब जागो तब सवेरा, लेकिन कृपया जाग जाओ सुनने के बाद ही सोते रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है ना। कहते हैं भौतिक विषय केवल हमें यह समझने में मदद करता है क्या, कि पहले से क्या है। यानी कहते ना विज्ञान, हम वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। अच्छा किस चीज के साइंटिस्ट हैं? हमने क्या खोजा है,
कि हवा कैसे चलती है, आपने ये खोजा है हवा कैसे चलती है, ये खोजा है हवा किसने चलाई है, ये खोजा है क्या, है ना। आप कार डेली चलाते हैं ना, कार कैसे चलती है पता है क्या? हाँ, कार एक्सीलेटर लेने से चलती है, लेकिन एक्सीलेटर लेने से होता क्या है ये पता है क्या? नहीं, पर उसकी जाननी जो होती क्या है, हमको इसका जाननी जो होती, हमको तो केवल एक्सीलेटर दबाना है। हमें अगर पता चल जाए, साइंस कहता है ना, अरे ये चीज है, न्यूटन जी बोलते हैं कि ऊपर से अगर सेब गिरा तो नीचे गिरेगा। हाँ नीचे गिरेगा, लेकिन कैसे गिर रहा है? उसने बोला गुरुत्वाकर्षण से गिर रहा है। अच्छा गिर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण आया कहाँ से? वो भी तो किसी ने बनाया होगा ना, कि ऑटोमेटिक हो गया। अगर ये ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट होता तो माताएं सबसे ज्यादा खुश होती, प्रभु जी आज शाम की सारी रोटी सब्जी ऑटोमेटिकली बन गई, ऑटोमेटिक बन गई, कितना भी मेहमान बुला लीजिए सब पेट भर के खाएंगे। कैसे? अरे सारी रोटियां ऑटोमेटिक बन गई, 100-150। अच्छा, और उसके लिए बनाना नहीं पड़ा? नहीं नहीं प्रभु, सब ऑटोमेटिक हो गया। जिस दिन आपके घर में एक भी रोटी ऑटोमेटिकली तवे किचन से भागती बाहर आ जाए ना, अरे मैं बन चुकी हूँ, खिला दो किसी को, मैं समझ लीजिएगा दुनिया में सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई किया नहीं है, कोई करता नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कुछ भी ऑटोमेटिकली होते हुए देखा नहीं है, सबके पीछे कुछ ना कुछ है ना। वो क्या पीछे है वो भगवद गीता से पता चलेगा, है ना मजेदार चीज। अरे बड़ा गंभीर विषय में घुसने वाले, और आध्यात्मिक जीवन में क्या मिलेगा कि सच्चा मार्गदर्शक पता चलेगा कौन है। और मेरे जीवन का हम सोचते हैं हमने IIT पास कर लिया, हमने 2-4 लाख कमाने लगे, हम सफल हो गए। सच में सफल हो गए क्या? सच में सफल है? अच्छा, तो मतलब सफल व्यक्ति तो कभी दुख नहीं होता होगा। सफल है मतलब दुख से लड़ने की क्षमता आ गई होगी। अरे प्रभु जी ये तो बस मत बोलिए, इतना काम है ऑफिस में कि दिन रात बैठ के काम करना पड़ता है। तो सफल दिन रात ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, और जीवन चक्र में फंस गए तो सफल नहीं, असफल। सफलता का राज तो भगवत गीता में मिलने वाला है, इसलिए हम उन 6 दिनों के सत्र में वो सुनने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब हु आर यू, आप कौन है? अब सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए, मैं कौन हूं? सोचेंगे? अरे नहीं नहीं आप भी नहीं सोचिए, आप क्लास के बाद सोचिएगा, ठीक है? क्योंकि ये सोचने पड़ गए ना तो घुस जाएंगे, जैसे मैं कौन हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई आईज, दिस आर माई आईज, तो हु एम आई, मैं कौन हूं? एक व्यक्ति था, वो खड़े खड़े रो रहा था, मेरे पिताजी, ए पिताजी। उधर से गुरु जी निकले, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? अरे मेरे पिताजी गुजर गए। अच्छा चले गए पिताजी, चले गए। कहाँ चले गए? ये तो सामने, यही तो है पिताजी, ये कौन है फिर जो लेटे हुए? अरे मेरे, ये तो मेरे पिताजी है, तो कहाँ चले गए वो? अरे वो तो यही लेटे हैं ना, तो फिर किस बात का दुख हो रहा है? यानी जिसको हम जीवन भर पिता मानते रहे वो पिता तो था ही नहीं, जो चला गया वो पिता था। यानी मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, मैं जिस चीज की, जिस शरीर को लगातार सजाता रहा, जिस शरीर से लगातार प्यार करता रहा, अरे इसके अंदर जो था उसको तो मैंने कभी पहचाना ही नहीं, यानी खुद के अंदर को मैंने नहीं पहचाना। तो जब ये क्वेश्चन है हु आर यू, आई एम नॉट ओमकारेश्वर, I am not Umendra, I am not Asha Mataji, I am not Madhusudan Prabhu. कौन है हम? हम कौन है? हम जो है वो बात बताएगी भगवत गीता, ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम ये जो पूरा सब कुछ हम महसूस करते हैं वो किस माध्यम से महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। आपको देखिए, आंख दिखाने का काम करती है, कान सुनाने का काम करता है, जीभ आपको टेस्ट देने का काम करता है ना, नाक सूंघने के लिए करती है, और त्वचा स्पर्श के लिए देती है। ये 5 इंद्रियां हैं जो हमें इस भौतिक जगत में लगातार यूज होती है। ऐसा कोई दिन है जब आप आंख बंद करके बैठते हो? आज मैं कुछ नहीं सूंघने वाला, सांस नहीं लूंगा, नाक बंद कर लिया, ऐसा हुआ क्या? कभी नहीं हुआ होगा ना। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कहा नहीं, आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं, जीभ टेस्ट में कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु जी एकादशी में रहते ना हम निर्जला, उस समय कुछ नहीं लेते। अरे वाह, तो बोलते तो जरूर होंगे, कोई जीभ के 2 काम है, एक टेस्ट करना और एक बोलना। हमने बोलना छोड़ा नहीं, टेस्ट भले छोड़ दे थोड़ा सा, और त्वचा से हम लगातार स्पर्श करके, यानी इस जगह भौतिक जगत में सब कुछ जो हम भोग रहे हैं वो कैसे भोग रहे हैं? इन 5 लोगों से भोग रहे हैं। तो इन 5 का क्या क्या और काम हो सकता है
और इन पांचों का सही उपयोग करके और क्या प्राप्त कर सकते हैं वो हम सीखेंगे भगवद गीता के 6 दिनों के सत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या भौतिक वस्तुएं स्वयं काम करती हैं? कार है, कार के लिए तो एक ड्राइवर चाहिए चलाने के लिए, है ना। कार जो भी चीज है सबके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इंसान स्वयं कैसे कर रहा है? ये खाना मैंने बनाया है, अच्छा ये पूरा बड़ा सा जो वैज्ञानिक होता है ना साइंटिस्ट, ये जो मैंने बनाया एटम बम मैंने बनाया है, मैंने ये जो मोबाइल है वो मैंने बनाया है। अरे आपने बनाया है वो ठीक है, कैसे बनाया है? एल्युमिनियम कहाँ से आया, किसने दिया उसको बनाने के लिए, बुद्धि किसने दी आपको? यानी सब एक पागल आदमी तो नहीं बना पाएगा, है ना। यानी सब कुछ कहाँ से आया, कोई देने वाला है, किसी ने सब कुछ दे दिया, आपने जोड़ घटाना करके एक कैलकुलेट करके मोबाइल बना दिया और आपको लगा कि आपने सब कुछ बना दिया। यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। फिर कहते हैं कि क्या भौतिक वस्तुएं स्वयं बढ़ सकती हैं? अगर आप सोचिए एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी तो जहां भी जहां पे उसकी चेतना चली गई, अंदर से जीव चला गया, वो जो पिताजी चले गए थे, अब वो पिताजी उतने ही बड़े रहेंगे, धीरे धीरे गलना शुरू कर जाएंगे, बढ़ना शुरू नहीं करेंगे। एक चीज है शरीर में जो लगातार शरीर चलाती हो, क्या है वो हम भगवत गीता में समझे, जब इनको लगातार सुनेंगे। कौन सी चीज है जो सब एक इतना हाथी, इतना बड़ा हाथी है, वो एक छोटी सी चीज जो दिखता भी नहीं आंखों से, उसके द्वारा कंट्रोल है और वो चल रहा है आराम से, वो भी हम सीखेंगे, है ना। बहुत जबरदस्त सीखने वाले हैं भगवत गीता में। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, कहते स्वामी जी आई थिंक अवर बॉडी इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स मशीन That get worn, gets worn out and crashes. एक जस्ट एक मशीन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मशीन है, कठिन से मशीन बना दी है, बनी हुई है। वो जो एक दिन ऐसा आएगा जब मर के खत्म हो जाएंगे, आप क्यों, why should you be bothered about some soul power in the body, कि ये आत्मा शरीर को पावर दे रही है, ऐसे सोचने का क्या फायदा, ना कोई फायदा नहीं। प्रभात जी कहते हैं अच्छा अब ये बता दो बस, क्या क्या दो कारें आपस में संग करके एक तीसरा बेबी कार पैदा कर सकता है क्या? ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता, मतलब कुछ तो है, यानी एक चीज है जो ये एम्पावर कर रही है, इतना एनर्जी दे रही है, इससे ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो आराम से हो रहा है। ये कैसे सिस्टमेटिक तरीके से, आप सोचिए एक छोटा सा मच्छर इतना बड़ा हवा में उड़ता है और वो भी सारे कार्य करता है जो हम करते हैं, वो भी खाता है हम भी खाते हैं, वो पीता है हम भी पीते हैं, वो डरता है हाथ लग जाइए भागेगा हम भी डरते हैं, वो बच्चे पैदा करता है हम भी बच्चा पैदा करते हैं, मतलब एक मच्छर बराबर के सारे काम हम कर लेते हैं, उसके अलावा क्या नहीं। प्रभु जी वो तो कहीं भी जाके खून पी लेता, हम तो रोटी खाते हैं। हाँ ऐसे भी कुछ लोग जो खून ही पी लेते हैं, आपको पता नहीं है, है ना। इसका मतलब है कि हम में कुछ क्षमता जरूर होगा, वो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। अभी जो है अगले स्लाइड में आप देखिए, अब हम आस पास क्या हमारे इस क्या चीज है जो हमारे आगे की जीवन शैली को बदलता है या बनाता है, हम कैसे रहना पसंद करते हैं। हम किसी अगर कोई बुक पढ़ते हैं उसमें किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें बहुत पसंद आ जाता है, तो हम उस कैरेक्टर के अनुसार बन जाते बनना पसंद करते हैं। वो कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर बन गया उसके अनुसार हमको लगता है हम वही बन गए। कभी आप कोई एक्शन मूवी देख के बाहर आते हैं, आपको देख के लगता है अब आप अपने आप को हीरो समझते, हाँ मैं भी अब उतना ही बड़ा हीरो हो गया। और जो आप म्यूजिक सुनते हैं, गाने बजाने सुनते हैं, और जैसे आपके दोस्त हैं वैसा ही आपका आगे का चरित्र बन जाता है, वही लिख जाता है, वही आप उसके अलावा कहीं दूसरा स्कोप बनता नहीं, वही से सोच लेते हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये गीगो प्रिंसिपल है, क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर कचरा घर जाएगा तो मुंह से कचरा ही निकलेगा बाहर, है ना। अगर आप अगर लगातार वो चीज सोचेंगे, वो विषय में डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, कई लोग देखिए लगातार पॉलिटिक्स बात करेंगे, गंदी बात करेंगे, गंदा चीजें देखेंगे, गंदी जगह जाएंगे, शराब पियेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसे ऐसे जगह रहेंगे, तो उनके दिमाग में वही जाएगा, उसके ऊपर वो सोच ही नहीं पाते। और आप अच्छा चाहेंगे दिमाग में तो अच्छी चीज बाहर आएगी ऑटोमेटिक, ना। गन्ने का जूस, गन्ने का जब जाएंगे, गन्ने का जब केन डालेंगे तो उससे क्या निकलेगा, मीठा मीठा जूस निकलेगा, है ना। और अगर उसी में आप जो है करेले का डाल दीजिए तो कड़वा कड़वा जूस निकलेगा। तो जो अंदर जैसा जाएगा वैसा ही बाहर आएगा, इसलिए अंदर क्या ले जाना है ये कहाँ मिलेगा, भगवत गीता में मिलने वाला है, है ना। हम जो आगे के सत्र में सीखने वाले हैं, जो कई लोग भौतिक
दृष्टिकोण से देखते हैं, ये तो बॉडी बस मैटर की बनी हुई है और हम बस केमिकल बंडल से और कुछ नहीं है, और ये तो समझ डेथ होकर सब कुछ खत्म हो जाता है, इससे कुछ भी नहीं बचता है। तो उसके लिए बताया जा रहा है सबके अंदर एक सोल है, एक आत्मा है, जो आत्मा इस पूरे शरीर को चलाती है, गति देती है, उस आत्मा से पूरे शरीर में चेतना रहती है और आपके पूरे शरीर में एहसास होता रहता है ना। वो हम भगवद गीता में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भगवद गीता में जो बताया गया कि आत्मा क्या है, चेतना क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान विज्ञान सब पढ़ने वाले हम। और कहते हैं अगर देखें आध्यात्मिक और भौतिक बीच वस्तु के बीच में अंतर कर देखें, तो जो भौतिक वस्तु है ना आपको वो दिखती है, कार दिखती है, अपने घर का फ्रिज दिखता है, वॉशिंग मशीन दिखती है, आदमी दिखते हैं, कुत्ते बिल्लियां दिखते हैं, हम वो सब हमको नजर आ रहा है। अब वो नजर आ रहा है तो हमारे लिए बड़ा आसान है, हाँ हाँ ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन आध्यात्मिक चीज क्या है, वो केवल अनुभव से ही कर सकते हैं। जो आप उस दिशा में जाएंगे आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अन्य जो है साकार आत्माओं से जुड़कर ही महसूस किया जा सकता है, कैसे, जिन्होंने स्वयं रियलाइज किया है। तद विद्धि परिपातेना परिप्रश्नेना सेव्या उपदेक्षं देते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी है तत्वदर्शी है जो वो आपको दीक्षा दे सकते हैं, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, उनसे आप में करंट ट्रांसफर होगा। जैसे एक करंट, एक हीट गर्म चीज है उसको टच करके आप गर्म हो जाते हैं ना, और करंट जिसमें प्रभाव हो रहा है उसको टच कर ले तो करंट शरीर में आ जाता है। वैसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको अगर आप उसके संसार उसके साथ चले गए, उसके साथ वार्तालाप हो गई, उसके टच में आ गए, तो क्या होगा, वो आपको ज्ञान दे देगा। और इसीलिए और उस ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिकता क्या है, तब पता चलेगा। और उनको लेकिन भौतिक तरीकों से नहीं पहचाना जा सकता। मैं भौतिक का चश्मा, मैं काला चश्मा लगा के सबको सफेद नहीं देख पाऊंगा है ना। कभी आपने ट्राई किया है, काला चश्मा लगाइए और सफेद कपड़ा सामने रखिए, अब वो कपड़ा कैसा नजर आएगा, काला ही नजर आएगा। ये भौतिक जगत का चश्मा लगा करके जहाँ केवल द्वेष है, निंदा है, घृणा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, लोगों के प्रति सम्मान की भावना खत्म हो चुकी है, लोगों को धिक्कार है, इग्नोरेंस है, ये सब चीजें समस्याएं हैं, उस तरफ हमें कहां से हम स्वयं देख पाएंगे। हमें दिखाने वाला एक होना चाहिए जो हमें काला चश्मा उतारे और सफेद चश्मा चढ़ा के हमें दिखाए सब कुछ, है ना। वो गुरु करता है, कहते देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान ने बोला है अरे ये शरीर, आप सोचिए आपके बचपन का शरीर, मैं बोलूं प्रभु जी आप बताइए आपके बचपन का शरीर थोड़ा वहां बचपन में पहुंच जाइए जरा, आप कहेंगे अरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, काश मैं अपने बचपन के शरीर को पकड़ पाता। कहाँ है वो बचपन का शरीर, कहाँ गया वो युवावस्था यौवन, कहाँ गया वो यौवन का शरीर, अरे खत्म हो गया, वहां वापस जा सकते क्या, नहीं जा सकते। वैसे ही जो आत्मा कॉन्स्टेंट है, आत्मा छोटे से बच्चे में भी वही थी, थोड़ा ऊपर गया, छोटा बच्चा जब चलने लगा तो भी आत्मा वही थी, शरीर बड़ा हो गया, शरीर लगातार बड़ा हो रहा है, लेकिन और जब ये शरीर छूटता है तो आत्मा ट्रांसफर होती है, आत्मा वही है। जैसे कहते ना एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ऊर्जा कभी खत्म नहीं की जा सकती ना कभी पैदा की जा सकती है, वो एक सोर्स से आ चुकी है। आत्मा का सोर्स भगवान है, भगवान कहते ममय वांशो जीव, मेरे अंश है सब लोग, तो भगवान सब जो सारे जो आत्माएं हैं वो सारे वहीं से आती हैं, और यहाँ पे आके नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं, तो क्यों करते हैं ये भी हम समझेंगे। भगवान के हैं तो हमको भगवान के पास ही रहना चाहिए था, है ना। तो जो अब आगे आगे आते पहुंचते हैं, इसलिए जो धीर व्यक्ति होते हैं ना, बढ़िया धैर्यशाली व्यक्ति, उसमें वो फर्क नहीं डालता कि ठीक है जैसा, तो हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे समझेंगे इसको, और अच्छे समझने वाले। तो निष्कर्ष क्या है, आत्मा को हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। आप इन हाथी बड़ा है तो उसकी आत्मा ही बड़ी होगी अरे हाथी का सब कुछ बड़ा है तो आत्मा भी उसकी बिल्कुल लड्डू के बराबर बड़ी होनी चाहिए, नारियल के बराबर बड़ा होना चाहिए। अरे नहीं, उसमें भी उतनी ही आत्मा है जो एक छोटे से मच्छर में जो एक छोटे से मच्छर में आत्मा है ना, वही बड़े से हाथी में भी आत्मा है। तो जो दया हम हाथी को मारने में दिखाते हैं ना, वही दया हमें मच्छर को मारने में भी दिखानी चाहिए। आप भी प्रभु जी परेशान मत करिए, अभी एक मच्छर काटा था मैंने, अभी भी मारा है, आ रहा था हमने मार दिया पीछे मच्छर को, है ना। अब वो नहीं, मच्छर को भी कैसे, हमें उस पर भी कैसे दया करें, कैसे संभालें, मच्छरों से भी कैसे बचे ताकि हमें उनको मारना ना पड़े, हम ये भी सीखें, है
है ना। आत्मा शरीर को धारण करने वाला और अपने कार्यों और इच्छाओं को क्रियान्वित करने वाला वास्तविक व्यक्तित्व है। इसको आप समझेंगे, आत्मा के विषय में बहुत अच्छे समझेंगे कि आत्मा शरीर धारण करके कैसे अपनी इच्छाओं को शरीर द्वारा पूरी करवाता है, लेकिन शरीर उल्टा काम करता है। अगर आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, तब क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी, सही होगी, पर वो जी खराबी हो जाएगी। वैसे आत्मा की खुराक एक होती है, वो शरीर की खुराक दूसरी होती है। जो शरीर की खुराक है उससे शरीर बढ़ता है और ये स्थूल शरीर यही रह जाता है। आत्मा की खुराक अगर हमने नहीं दिया तो आत्मा मर जाती है। मरने का मतलब आप कहेंगे आत्मा तो कभी नहीं मरती है, अमर हो जाती है। कहने का मतलब उसका जो स्वभाव है ना वो खत्म हो जाता है, वो बिचारी संकुचित की संकुचित बनी रहती है और उसी आत्मा से वो दूसरे शरीर में ऐसे जाती है, उसी संकुचित अवस्था में जाती है। हम समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे इसको, कंफ्यूज मत होइए, टेंशन मत लीजिए। हमारा आगे के दिन है, अभी 6 दिन है पूरे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो अब अगले स्लाइड में अगर चलें तो देखिए, अर्जुन के पहले क्या था, बहुत ही बेचारा दुखी था, है ना। उसको पहले क्या था, चिंता थी। देखिए कैसा आप देख रहे हैं ना, पहले वो था, उसको कॉन्फिडेंस की कमी थी उसके अंदर, बहुत कमी आ गई। जैसे उसने देखा इतना युद्ध करना है, उसको अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई। वो जो है डिमोटिवेटेड हो गया, डिमोलाइज हो गया, हतोत्साहित हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, अरे मैं कैसे मारूंगा इनको सबको, बहुत डिप्रेशन में आ गया। और जो है आकर के वो जो है और चिंता एंग्जाइटी चिंता करने लगा, बहुत चिंतित हो गया कि जो है अरे मैं क्या करूं। लेकिन जब भगवान से 40 मिनट भगवत गीता उसने सुनी तो क्या होगा, सीधे हाँ कृष्ण अब मैं युद्ध करूंगा। और आप लोग तो 6 दिन सुनने वाले हैं, अरे आप उसका युद्ध में निकल जाइएगा लेकिन 6 दिन में पता चलेगा कौन सा युद्ध में निकलना है, ठीक है, टेंशन मत। ठीक है, तो जो है अब अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन सच्चा प्रतिनिधित्व है भगवान का। क्यों, अर्जुन का सच्चा प्रतिनिधित्व किया भगवान ने, और भगवान कृष्ण अर्जुन और भाइयों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें समझ में आएगा। भगवान ने जो केवल अर्जुन का ही समर्थन क्यों किया, भगवान देखिए खास बात क्या है, भगवान केवल भक्तों के सामने खुद को रिवील करते हैं। दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, अर्जुन ने भी देखा था, लेकिन दुर्योधन के सामने उन्होंने भगवान ने रिवील नहीं किया खुद को, अर्जुन के सामने बताया। तभी अर्जुन कहता है ना मुझे तो नारायण चाहिए, मैं आपकी सेना का क्या करूंगा। यानी उसने अर्जुन ने भगवान को पहले ही समझ लिया था, है ना। तो लेकिन दुर्योधन हमेशा उसको भगवान को मायावी बोलता था, वो समझ नहीं पाया। तो भगवान केवल भक्तों के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं, आप भगवान हमें दर्शन दें तब हम भक्ति करेंगे। भगवान कहते उल्टा कर रहे बेटा, भक्ति करो तो मैं दर्शन दे दूंगा है ना। तो भक्ति कुछ ऐसा करो, तो आपको बताइए अगर प्राइम मिनिस्टर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर से दर्शन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ेगा ना, कि बस जो है इनके थ्रू जाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मली जाना पड़ेगा। तो जो है कहते हैं तो जो है, और इसमें ये कैसे करना है, उन्हें कहाँ प्राप्त करें, है ना। अब आप जो कुछ भी करते हैं आप अगले जीवन के लिए इसके वर्तमान जीवन में नींव रख रहे हैं, ये सब कैसे, भगवान चाहते हैं कि हम अर्जुन का स्थान लें और अपने गुण को पूर्ण करें। तो देखिए भगवान ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि हम अर्जुन का स्थान लें। तो क्या हम भगवान की चाहत को पूरा कर पाएंगे, बताइए, बोलिए, क्या भगवान की चाहत को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे हम लोग। भगवान चाहते हैं कि हम अर्जुन जैसा जो है क्या करें, अर्जुन जैसे बने, है ना, और जो है हम अर्जुन की तरह व्यवहार करें। भगवान को जो है तो ये कैसे करना है, उन्हें कहाँ प्राप्त करना है, ये सब हम लोग भगवद गीता में सीखने वाले हैं। अब आप जो कुछ भी करते हैं वो अगले जीवन में वैसा कैसे मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, हम वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर अगली स्लाइड में है तो लोग कहते हैं इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं, अरे इस जीवन के बाद जीवन है, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन होता है। इसके भगवान कुछ कुछ उदाहरण देते रहते हैं, आप YouTube में डाल के देख लीजिए, कई पुनर्जन्म की कथाएं मिल जाएंगी आपको। भगवान अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके बताते रहते हैं और हम लेकिन आंख बंद करके देखते हैं दुनिया। हम अपने ज्ञान की चक्षुओं को बंद करके अज्ञान की आंखें खोल करके पूरे दुनिया को देखते रहते हैं, है ना, पूरे विश्व हम केवल उन अज्ञान की आंखों से देखते हैं। इसलिए हमें समझ नहीं आता कि जो है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यानी भगवान ने साफ साफ उदाहरणों के तौर पर बताया ही नहीं कि पुनर्जन्म होता है, यानी हम सब फिर से आएंगे, लेकिन हमारे कर्म बताएंगे कि हम इंसान बन के आएंगे, कि हम देवता बन के आएंगे,
कि हम कुकुर शुकुर बन के आएंगे कि मच्छर बनेंगे कि कीड़े बनेंगे कि कौन क्या बने वाले, 84 लाख योनियों में हम कहाँ तैरने वाले हैं ये कौन बताएंगे? भगवान जो है हमको बताएंगे कि किन किन कर्मों से क्या क्या प्राप्त होने वाला है, क्या करने से क्या प्राप्त होगा, है ना। हमको बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जन्म मृत्यु च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, जो इस चीज को तत्व से जान लेता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और मृत्यु को तत्व से समझ लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, इस शरीर को त्याग करके वो वापस दोबारा जन्म नहीं लेता। ये भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं और हम इसको सुनेंगे कि कैसे क्या करने से मैं वापस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ना हो। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, जन्म होगा तो व्याधियां भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, और जन्म होगा तो बुढ़ापा भी आएगा, है ना। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आएंगी आएंगी, इनसे कैसे छुटकारा मिले मुझे, कुछ तो दवाई होगी इसकी। वो दवाई कहाँ पे लिखी है? भगवान ने भगवत गीता में वो दवाई लिख दी है, केवल आपको उसको स्वीकार करके देखना है ना। अगर आगे स्लाइड पे पहुंचे तो जो है एक व्यक्ति जो भौतिकता से जुड़ा हुआ है वो कैसे विचारता है, अरे मेरे साथ उसने ये गलत किया, वो मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं अब उसको दिखा दूंगा कि मैं कौन, मैं उसको कितना परेशान कर दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि हु एम आई, मैं कौन। बिल्कुल उसके अंदर ये घृणा भर गया। वही ये भक्त है जो जानता है जीवन के महत्व को, जो जीवन के मूल्यों को जानता है, जो समझता है कि जीवन क्या है, ये समय क्या है, वो इन व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाता। वो इसके बजाय कि वो इस तरह से उल्टा काम करे, वो सोचेगा कि अरे अब मैं उसको ब्लेम क्यों करूं, उसने जो मेरे साथ करना था कर दिया, अब मैं और अच्छे दिन से व्यवहार करूंगा, शायद उसका मन बदल जाए। ये अंतर हो जाता है दोनों में, टॉलरेंस बढ़ जाता है, पेशेंस बढ़ जाता है, कंसिडरेशन बढ़ जाता है दूसरों के लिए, हम टॉलरेट करने लगते हैं दूसरों की चीजों को। जिस दिन आपके अंदर टॉलरेंस आ गया, बढ़ गया, बहुत आराम से जीवन आपका चलने लगेगा। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, ये ना शरीर मेरा है ना उसके शब्द जो मैंने लिए नहीं तो उसे वापस दे लिए। महात्मा बुद्ध एक बार गांव से निकल रहे थे, तो उस गांव से निकले तो सब लोग खूब उनको गाली देने लगे कि तुम ही जैसे, तुम देखो बाबा लोग ऐसे घूम के परेशान करते रहे, तो ये करते पैसे लेने के लिए आते, वो मुस्कुरा के सुनते रहे। जब सब कुछ बोल चुके तो मुस्कुरा के कहते मैं जाऊं अगर आपका हो गया हो तो। कहते हैं हमने इतना आपको बोला, इतना बोला, और आप जो है बिना कुछ मुरझाए हुए आप मुस्कुरा के जा रहे। कहते देखो पिछले गाँव में ना मैं मिठाई जो है दे रहे थे लोग काफी ज्यादा, आप मिठाई खा लीजिए, फल खा लीजिए, मुझे भूख रही थी तो मैंने कह दिया मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने उस मिठाई का क्या किया, खुद खा लिया होगा, फेंका तो ही ना होगा। हाँ ऐसे आप लोगों ने मुझे गालियां दी, मैं मुस्कुरा के चला जा रहा हूँ, तब अब क्या होगा, गालियां भी आप ही खाओगे ना, है ना। कहने का मतलब है कि हमको सब कुछ बढ़ जाता है जब हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है ना। और अब अगला क्या, अब आगे हम लोग सीखेंगे आगामी सत्रों में क्या, ईश्वर, कर्म, प्रकृति, जीव और उसकी गतिविधियां और काल, ये सब हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल कमर कस लीजिए क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपको जो है क्या एक्सपेक्टेशन इस कोर्स से क्या मिलेगा, वैदिक संस्कृत को हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसिक शक्ति का विकास, शांति और खुशी, जीवन के मूल्य और आत्मबोध, ये बहुत जरूरी है हमारा। देखिए लोग कहते हैं इम्यून हो जाओ, इम्यून बॉडी इम्यून कर लो, कोरोना से बच जाओगे। हमारी बॉडी इम्यून हो रही है लेकिन क्या हमारा माइंड इम्यून हो रहा है? जिसको देखो फांसी लगा ले रहा है, 10th क्लास का बच्चा है, उसको हमने क्या देखा, हम माँ बाप डरते हैं आजकल, अरे मैं बच्चे को कुछ कहना दूं जो खा ले भाग जाए, ये कर दे वो कर दे, है ना। तो लगातार हम क्या होते हैं, लगातार हम घबराते हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि हमारा माइंड इम्यून नहीं है। अरे शरीर इम्यून करने भर से काम नहीं चलेगा माता जी प्रभु जी, माइंड दिमाग को भी इम्यून करना पड़ेगा। और जब आप दिमाग को इम्यून करेंगे तो आपके अंदर सब कुछ सहने की क्षमता बढ़ेगी, और तब देखिएगा जीने का अलग अलग मजा होगा। और ये कौन सिखाएगा, भगवान भगवत गीता में हमें सिखाने वाले, शांति और खुशी कैसे प्राप्त हो, है ना, ये हमें पता चलेगा। असली खुशी, नकली नहीं कि आ जाएगा चलेगी, नहीं 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 असली खुशी मिलेगी, और जीवन के मूल्य पता चलेंगे, प्राप्त बोध। तब जो है अब आपको क्या है? जो कल तक तो अब आपने देखा, सबको आसपास देखिएगा, मैंने बताया था ना, क्या बताया था पीछे पूरे इसमें, कि क्या क्या चीजें जो है भौतिक आपके
इंद्रियां देखती हैं, आपके आसपास के लोग कौन हैं, कैसे रहते हैं, और ये जो सब कुछ क्षणिक है, जो दिख रहा है वो खत्म होने वाला है, जो सब कुछ है वो विनाशमान है, क्या चीज परमानेंट है? कुछ ना कुछ जरूर परमानेंट है, वो परमानेंट क्या है इस टेम्पररी वर्ल्ड में, उसकी खोज करना है ना, ये सब हमने सीखा है। तो वो जो है, अब आप जब देखेगा ना सबको, तो कल क्या देखेगा, देखेगा तो सब ऐसे ही देखेगा कि किसने जो है, देखो सामने में जा रहा है बेचारा, ये भी नहीं बचने वाला, ये घर ये टूट जाएगा एक दिन, तो क्या परमानेंट है वो मैं इस सत्र में सीखूंगा, भगवद गीता के सत्र में हम लोग ये सीखेंगे, है ना। और बताइएगा अगले विचार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग सब लोग एडेड हैं, उससे बताइएगा कि क्या क्या महसूस किया आप लोगों ने, बहुत आनंद आएगा आप लोग देखेंगे। अब सेशन शुरू होता है प्रश्नोत्तर का, तो मैं जो है एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया जो है प्रश्नोत्तर के लिए सबको अनम्यूट कर दें, ताकि जो है लोग, लेकिन आप लोग जो थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा, जिसका प्रश्न है एक एक करके हम लोग प्रश्न पूछेंगे, तो जो है आप उनको कर दीजिए। अशोक और प्रभु जी अभी आप हैं लाइन में। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं चाहता हूँ प्रश्नोत्तर सेशन हो जाए, तो थोड़ा सा सबको आप वो कर दीजिए। बिल्कुल जरूर जरूर। सो अभी हम 10-15 मिनट के लिए प्रश्नोत्तर का सेशन खोलेंगे, तो यहाँ पे शायद सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो फिर शिल्पी माता जी को या फिर किसी को यहाँ पे वो ऑप्शन निकालना पड़ेगा, अलाउ पीपल टू अनम्यूट जूम में, और आप चैट पे भी टाइप कर सकते हैं आपका प्रश्न, या फिर अंग्रेजी में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना माइक को अनम्यूट करके भी आप इस चैप्टर के बारे में या फिर आज के सेशन के बारे में आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, प्रश्न पूछिए, हम आपके जवाब देंगे। और ये सेशन और 5 दिन भी चलेगा, तो यस, किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे परमजीत सिंह प्रभु जी ने कहा है, नहीं नहीं सॉरी, दिनेश चंद्र भट्ट ने कहा है कि कुछ लोग तो इस जन्म के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होता है, तो ऐसे पुरुष प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, some people don't believe in life after death, आप मतलब कुछ लोगों को जो है इसमें हाँ प्रभु जी, इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको पूर्ण अभी अज्ञानता की वजह से ऐसा वो महसूस करते हैं, है ना। कुछ भी है, अगर व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे जो है, अगर मैं आज आया हूँ तो अपने, और जो भी मैं भोग रहा हूँ, कभी ना कभी मैंने इसके लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, इस कारण मैं ये भोग रहा हूँ, अगर ये मेरे, अगर ये आ जाए अंदर से भाव, तो जो है उसको पता चल जाएगा कि अगर आज मैं पिछले जन्म के कारण आज आया हूँ, आज के कारण मेरा कल बनेगा। तो ये जो है, ये थोड़ा सा ये एक ऐसा विषय है जिसमें अज्ञानता के कारण ये व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि वो अगर अगला 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग भगवद गीता में बहुत अच्छे समझेंगे प्रभु आगे आने वाले समय पर, लेकिन इसका मुख्य कारण यही है कि वो अज्ञान है, वो इतने इस जन्म को सब कुछ पा रहा है, पूर्ण मान रहा है, और सोच रहा है इसके अलावा उसको कुछ भी प्राप्त जो है होने वाला नहीं, बस ये इस जन्म का क्या मिलेगा, सब कुछ जो भोगना इसी जन्म में भोग लो, यही स्वर्ग है, यही नरक है, ये सब सेंटेंसेस होते हैं, तो हम लोग उसको समझेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन बस इसका मुख्य कारण है अज्ञानता, है ना, इग्नोरेंस, है ना। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न, उसका फॉलो अप प्रश्न है कि कैसे हम उनको मनाएं कि पुनर्जन्म वगैरह होता है। बस ये 6 दिन का सत्र भी सबको ले आइए सब मान जाएंगे राइट। जिनके प्रश्न कृपया आप ले दीजिए, शायद आप अनम्यूट करने का ऑप्शन शायद शिल्पी माता जी आपको मिल जाएगा। मेरे को नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट होस्ट को आएगा। हाँ तो अच्छा ठीक है, तो आपको जो है शायद आप शिल्पी माता जी आप उनको होस्ट बना सकते हैं प्रभु जी को, या फिर आप अपना हाथ उठाइए, यहाँ पे आपके पास हाथ उठाने का एक ऑप्शन रहता है रिएक्शंस में, आप हाथ उठाएंगे तो हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। रोज आप होस्ट हो गए हैं, एक बार आप देख लीजिए शायद। हाँ ओके ठीक है।
फिर भी नहीं आ रहा है मुझे लगता है। हाँ यस यस आई हैव द ऑप्शन नाउ। परमजीत प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं शायद। परमजीत प्रभु आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके खुद को, या तो यस आप मैसेज लिख सकते हैं प्रभु जी। नहीं वो खुद अभी अनम्यूट कर सकते हैं अभी सब। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु जी आप? अच्छे हैं प्रभु, आप बताइए। जी ठीक है प्रभु जी, बस प्रभु की कृपा है। प्रभु जी एक प्रश्न है आपसे। प्रभु जी धृतराष्ट्र और पांडव के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र और पांडव के पिता कौन थे? ये आपने जो प्रश्न पूछा ये पूरे कंटेंट पे कहीं नहीं लिखा। हम लोग पूरी महाभारत के जितना भी सेंटेंस है ना ये अगले आगे सत्रों में ये पूरा जो जितना भी उनका सीरीज है बता देंगे। महाभारत के पूरे पूरा सीरीज बताएंगे। आप कल कथा कर में बैठने वाले प्रभु परमजीत प्रभु प्रभु जी, प्रभु जी बोलिए। हम करें कल आप कथा में आएंगे? जी आएंगे प्रभु जी। और आप ग्रुप में है ना, आपको ग्रुप में पूरा महाभारत में सीरीज सारा बता देंगे प्रभु। ठीक है ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाल देंगे सबसे ऊपर से नीचे तक कौन कौन है। तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा सबसे जो आज हमने कथा करी ना पूरी प्रेजेंटेशन उसमें से कोई अच्छा सा प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन से। वैसे आपका प्रश्न बहुत उत्तम था प्रभु। हम लोग जो पूरा मैं महाभारत का शुरू से लेकर लास्ट तक डाल दूंगा। ठीक है प्रभु। हरि बोल हरि बोल। और एक प्रश्न है कि अंकित प्रभु कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को लाना चाहते हैं सेशन पे लेकिन कोई जुड़ नहीं पाता। तो प्रभु जी आप जिनको लाना चाहते हैं ना जैसे आज जो है आप उनको केवल एक बात बोल दीजिए कि ये केवल 6 दिन का सेशन है, 6 दिन का सत्र है, उसमें कोई भी एक कथा पे आ जाए। यदि जैसे कल के दिन तो केवल आधे घंटे के लिए आ जाए ऐसे बोला है। ये मत बोले पूरा ज्वाइन करना पड़ेगा। उनसे बोलिए केवल आधे घंटे के लिए ज्वाइन कर लो यार, आज मेरे लिए आधे घंटे के लिए ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारे लिए इतना काम किया हूँ। और यार जितने लोग हैं उनको ये बोलिए आप केवल आधे घंटे के लिए एक बार ज्वाइन करके देखो कैसा चल रहा है कथा, है ना। कोई कई बार ना क्या होता है जब हमको किसी चीज का टेस्ट पता नहीं होता ना तो हमको वो चीज पाने का इच्छा नहीं होती। एक बार अगर कोई आएगा तो उसको अंदर से रियलाइज होगा कि हाँ वो सही जगह बैठा है, उनको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप कृपया करके केवल उनको ये बोलिए आधे घंटे के लिए बुला लीजिए, 15 मिनट के लिए बुला के बोलिए, एक बार ज्वाइन करके देखो, ऑटोमेटिकली देखिएगा उनका अंदर का इंटरेस्ट पैदा होगा। तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आप उनको केवल बुलाने का प्रयास करें, है ना। ओके प्रभु थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हुमा हूँ। मैं एक्चुअली मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। बट मैंने जब भगवत गीता पढ़ी तो मुझे उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी जो एक नॉर्मल लाइफ को भी जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ड्यू टू दैट मेरी फैमिली में सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है एंड ऑल, यू नो। तो मेरे को बहुत ज्यादा वो टॉलरेंस झेलनी पड़ती है उन लोगों की, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे ही एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो उनको यही लगता है कि ये अल्लाह की तरफ तो जा नहीं रही है, इसका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है एंड ऑल। और मैं उन लोगों को समझा समझा के ये चीज थक गई हूँ कि ऐसा नहीं है। मुझे अंदर से विश्वास है, मैं अपने विश्वास का क्या करूँ, दीज आर ऑल माई पास्ट कर्मास ना। मुझे अंदर से विश्वास है कि कृष्णा है और मैं जो भी कुछ उनसे मांगती हूँ वो चीजें हो रही है मेरे साथ बचपन से। तो मैं एक डिवोटी हूँ उनके लिए, तो मैं उनको समझा नहीं पा रही। लाइक अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली में ही मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि कैसे उन लोगों को समझाऊं। और दे आर लाइक मतलब मेरे दुश्मन बने हुए हैं वो लोग किसी भी तरीके से। मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई इस चक्कर में, किसी तरह से इस लड़की को वापिस ले आए इस्लाम में। मैं उनको समझा रही हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, बट मेरी एक भक्ति है किसी चीज के लिए, मैं उसकी तरफ जब हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। मेरा मन जिस चीज में है मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो किस तरीके से उनको डील कर सकते हैं? माता जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को इतना अच्छे ढंग से लिया। और आपका प्रश्न बहुत अच्छा और आपका जो जीवन का संघर्ष है बहुत बढ़िया ढंग से आप लेके चल रहे हो। इस परिवार में जहाँ पे आप बैठे हैं और जिस समुदाय के आप सदस्य हैं वहां पर थोड़ा सा ये बहुत मुश्किल वाला बात है, लेकिन आप तब भी अपने आप को इस लेवल पे आगे बढ़ाइए। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी अनुकंपा है और कृपा है। और आप जो है अब रही बात इसकी कि मैं बाकी लोगों को कैसे बताऊं, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पड़ेगा कि कैसे उनको बताया जाए। लेकिन क्या कर सकते, परिवार का सदस्य कुछ भी बोले किसी को वो सुनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है बिल्कुल ये तो अपना बचपन से देखा है मैंने, आज ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हमने देखा इनको बचपन से ऐसे इधर उधर घूमते हुए।
है ना, तो कोशिश अगर करना चाहिए, अगर जरा सा रुझान उनका आ रहा है इस तरफ, जरा सा 1% भी लगता है आपको तो समझ सकते हैं, अगर कोई समझाए तो उनको सबसे पहले किसी के साथ जोड़ देना चाहिए, उनको किसी और से बतवाना चाहिए। वो जैसे आज की कथा में अगर बैठते तो सकता उनको एक अलग दूसरा चीज रियलाइजेशन होता, उनको पता चलता अच्छा ये चीजें हैं क्या, इसलिए मेरी बेटी या मेरी बहन इसलिए इस पे तब आकर्षित हो रही है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल धर्म के, ये ऐसा नहीं कि कहता नहीं है मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं है, ये तो एक साइंस है, ये विज्ञान है, और इस विज्ञान को भगवान ने प्रस्तुत किया है भगवद गीता में, जो सभी के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, ये उनको पता चल जाएगा। तो आप कोशिश करके उनको ना एक बार किसी तरह से कथा में ले आइए। मैं तो यही बोलूंगी, कोशिश तो यही है, रोज रात को बैठ के गीता पढ़ती हूँ कि किसी तरह दूर दूर से पढ़ती हूँ, श्लोक गा गा के कि किसी तरह से उनके कानों में जाए, किसी दिन तो मुक्ति आ जाए। क्योंकि बहुत रेयर हैं ऐसे, हमारे संस्था में भी बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी के भक्त बने हैं, जैसे उदाहरण के लिए जब श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए थे तब वहां पे तो सब क्रिश्चियन और जूश फैमिली के थे और वो खुद अपना धर्म पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी वहां पे जाके उनको प्रचार किए तो सब मतलब दूसरे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, हर जगह से वहां से शुद्ध भक्त बने। वो सिर्फ भक्ति नहीं बने, वो हमारे वर्णाश्रम को स्वीकार किए और संन्यास भी ले लिए। संन्यास तो बहुत ऊंचा स्तर होता है, जैसे इस्लाम में क्या बोलते हैं फकीर है ऐसे, तो इस प्रकार या सो इतना ही नहीं, जैसे हमारे एक भक्त थे वो पैलेस्टाइन में थे, पैलेस्टाइन मुस्लिम थे, तब पैलेस्टाइन में तो बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता है, तो वो भक्त बने प्रभुपाद जी का प्रवचन वगैरह सुन के। ये सब ऐसे ही नहीं आता है, ये सब पूर्व कर्म का है, जैसे पूर्व कर्मों से जो जो संस्कार होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वो हम कैरी करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आधा ही छोड़ दिया है अपने धर्म को या फिर जो भक्ति योग को, वो उसको अगले जन्म में आगे बढ़ाता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यदते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। पूर्व देह से जो पूर्व पुराने जन्म में वो कितना छोड़ा है वहीं से वो कंटिन्यू करेगा। इसके बाद भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं यतते, तो वो प्रयत्न करता है तो आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हमको ये पता चलता है कि सिर्फ एक जन्म नहीं होता है, आत्मा को जो है वो पूर्व मतलब जो पुराने जन्म में जो कर्म है उसको कैरी करता है। हाँ, मैं ये उदाहरण कह रहा था कि जो ये भक्त थे रावणहारी, वो पैलेस्टाइन के थे और वो भक्त बन गए। वो बचपन में वो पूछते थे कि अल्लाह कहाँ पे है, अल्लाह क्या मलमूत्र में है, तो उनको बहुत डांट के पीटा जाता था, उनको बाहर निकाल दिए जाते थे। लेकिन वो आखिर में वो जर्मनी गए और जर्मनी में उनको भक्त मिले और भक्तों ने कहा कि भगवान अल्लाह सब एक है, अलग अलग नाम है और भगवान हर जगह पे है। हाँ, भगवान सब जगह में है, तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो कनेक्ट बहुत आसानी से वो जुड़ पाए। और उसके बाद उन्होंने पैलेस्टाइन में हर बस के ऊपर भगवान कृष्ण का नाम लिखा, सब लोग देख रहे थे और पढ़ रहे थे कृष्णा कृष्णा, ये क्या कृष्णा कृष्णा, सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हैं। हमारे एक पूर्व हमारे आचार्य जो है हरिदास ठाकुर जी हैं, वो बहुत उत्तम श्रेणी के महा क्या बोलते हैं परमहंस हैं। वो इस्लाम धर्म के ही थे, मतलब इस्लाम धर्म में ही उनका जन्म हुआ था। तो बाद में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो उनको हरिदास नाम मिला था, तो वो हरिदास ठाकुर हैं। तो इस प्रकार से ये जो कम्युनल का जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं, इट इज क्या बोलते हैं हम लोग मैन मेड है,
है वो नेचुरल है. भगवान का आश्रय लेना, भगवान का शेल्टर लेना, इट इज वेरी नेचुरल. तो ये अपने आप आएगा, जो हम पूर्व जन्मों से जो हम कैरी करते हैं वो इट इज वेरी नेचुरल. तो इसीलिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा. उस बुक का नाम है द सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड वेदास. इस बुक को आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह में खरीद लीजिए, उसको पढ़िए. उसको पढ़ने के बाद आप अपने पेरेंट्स वगैरह को बताइए, तब आप देखना उनका हार्ट चेंज होगा. लेकिन अगर आप जोर जोर से भगवद गीता श्लोक पढ़ेंगे तो वो थोड़ा एजिटेट हो जाएंगे, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे. तो अगर मैं भी घर में क्या बोलते हैं कलमा बोलते हैं ना, कलमा अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो हमारे फैमिली भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो हमको उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए. एक्चुअली बहुत बहुत सिमिलैरिटीज हैं. तो ये धर्म जैसे एक बहुत साधारण वेरी कॉमन सिमिलैरिटीज में बताना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल वुमेन, माताएं जो है वो अपने फेस को ढकती थी, जनरली दे यूज टू कवर. हमारे सनातन धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियंस नर्सेस में भी है, तो इस प्रकार से सिस्टर्स में भी है. तो ये दिस अ कॉमन सिमिलैरिटी. मतलब क्या है, माताओं को ढकना चाहिए, एग्जाम्पल वन. दूसरा जैसे जो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, हर धर्म में इसको फॉलो किया जाता है. जैसे फादर ब्रदर हो गया क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम हमारे में सन्यास हैं, फकीर हैं इस्लाम में. तो दीज आर सिमिलैरिटी. वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? ये जो कॉमन सिमिलैरिटीज जो है ये सब एक भगवान एक पिता से आ रहा है. तो वही यहाँ वहां से बट गया है, अलग अलग नाम आ गए हैं. तो इस बुक को आप पढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज को बाद में आप समझाएंगे तो बहुत आसानी से वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, इजी हो जाएगा. फॉलो तो नहीं कर पा सकते लेकिन कम से कम हाँ ये भी हमारी तरह ही है, तो कोई अलग नहीं है, कोई ब्रेन वॉश नहीं है, तो उनको पता चल जाए. इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन समय का पाबंदी है, मैं यहाँ पे रोकता हूँ. नमस्कार प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का हमने शुरू किया है. हालांकि मैं हमेशा सुनता हूँ इसके बारे में टेलीविजन पर, और हमने रामायण भी पढ़े हैं, महाभारत भी पढ़ी है, सब कुछ, और रोज पूजा पाठ भी करते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि यह जो भी हुआ है क्या यह सचमुच में कुछ हुआ है या कुछ काल्पनिक है? रामायण हो या महाभारत हो या जो भी हम पढ़ रहे हैं, सचमुच में 5,000 साल पहले या 6,000 साल पहले हुआ है या कुछ काल्पनिक है? मतलब मैं इसमें कोई मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये सचमुच है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर सचमुच में है या काल्पनिक. हाँ प्रभु जी, तो जो है बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है प्रभु. क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जो है अभी जो हमारे जैसे अभी हमने पीछे देखा, हमारे जितना चीज सराउंडिंग में है हम उनसे काफी चीज सुनते हैं और उनके साथ डिस्कशन होता है, और कभी कभी हम उस चीज को कैसा लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा. जैसे मूवी पिक्चरों में लिख के आता है साफ साफ ये पिक्चर काल्पनिक है, कृपया आप इसको ध्यान ना दे, लेकिन तब भी हम उसको देखते हैं, रोते और हंसते हैं पिक्चरों में देखते हैं, है ना. लेकिन जो ये शास्त्र है ना प्रभु जी, जब हम शास्त्रों में डुबकी नहीं लगाते ना, बहुत या उनमें और अपने आचार्यों से नहीं सुनते, श्रवण को हमने बहुत कम कर देते हैं, या तो क्या होता है हमें शक होने लगता है, और वो शक जाए बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी विषय में बहुत समय से ना सुना जाए तो वो चीज बिल्कुल गायब हो जाती है, दिमाग से भी गायब हो जाएगा और आसपास के एनवायरमेंट से भी गायब हो जाएगा. तो ये चीजें प्रभु काल्पनिक हमें तभी लगती है जब हम इसको हमने काल्पनिक किस केस कोई चीज काल्पनिक कब लगेगी, जब हमको उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, है ना, हमें पूर्ण पता नहीं होगा, हमने किसी के ऐसे संग नहीं किया होगा जहां से हमें कोई बता सके अच्छा ये सच है तो क्यों सच है, कारण के साथ भी बता सके. अगर सच है तो कोई चीज ऐसा कैसे कि भगवद गीता की किताब 5,000 साल पहले भगवान ने बोला था और आज तक बिल्कुल फ्रेश है. जो अखबार उठाते हैं
कल का पेपर आप आज नहीं पढ़ेंगे, आज का पेपर कल नहीं पढ़ेंगे, वो पुराना हो जाता है। और भगवत गीता का लिखा हुआ इतना समय पहले भूला गया, आज तक फ्रेश चला रहे, यानी वो अगर भूला गया था तभी तो एग्जिस्टेंस में है ना, है ना। इसको हम और जब ऐसे लगातार श्रवण करेंगे ना, सुनेंगे, तब प्रभु हमें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि वो सब जो काल्पनिक समझ रहे हैं वो सब एक्चुअली में हुआ है, तभी चीजें हैं। आप सोचिए जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के पिताजी भी रहे होंगे, उनके पिताजी भी रहे होंगे, ये अगर देखा जाए तो 100,000 साल पहले भी कोई ना कोई रहा होगा, और उनके भी 1 करोड़ साल पहले भी कोई रहा होगा। यानी ऐसा तो नहीं हम बस अभी कुछ 1,000 साल पहले, हम करोड़ों साल से एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो सबसे पहला होगा। वो पहला कौन है, ढूंढने की जब हम खोज में निकल जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आया है, है ना। तो पता चलेगा कि किसने क्या दिया प्रभु, है ना। हम लोग ये खोज करने ही ये 6 दिन के बैठे, तो पहले 6 दिन बैठेंगे, फिर आप तो बहुत, आपके जो जो चेहरे में चमक है, और अभी आपको जो देख के ऐसा मुझे महसूस हुआ कि आप जिस आपने प्रश्न उठाया है, आप जरूर कई लोगों को अप्रीच करने वाले, कई लोग ज्ञान दे रहे हैं, जैसे हमारे साथ बिल्कुल ऐसे जुड़े रहिए, अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रही साथ में, है ना प्रभु। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा हमारे हुमा माता जी के लिए, कि अमेजोन में एक बहुत अच्छा बुक है और उस बुक का नाम है मुस्लिम डिवोटीज ऑफ कृष्णा। आप इस बुक को भी खरीद सकती हैं, बहुत अच्छा बुक है। इसमें बहुत सारे हजारों जो भगवान के भक्त हैं, ढेर सारे रेफरेंस दे दिए अभी, काफी है। देखिए यही आनंद मिलता है। देखिए अनिंदिता प्रभु जी भी कुछ पूछ रहे हैं, अनिंदिता प्रभु, व्हाट टू डू व्हेन समवन मॉक्स अवर गॉड्स। तो जो है अगर कोई भगवान को, अब ये कहना चाहना प्रभु कि अगर कोई भगवान को उल्टा सीधा बोलता है, यही क्या प्रभु, यही तो हो ना अशोक प्रभु, ये मतलब करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, व्हाट टू डू व्हेन समवन मॉक्स अवर गॉड्स। हाँ तो आप बताना चाहेंगे या कंटिन्यू करें। तो भगवान तो एक ही है, सो अगर कोई उसको भगवान, इफ यू आर सेइंग अवर गॉड, तो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। भगवान अवर गॉड मतलब उनका अलग भगवान है, हमारा अलग भगवान है, नहीं ऐसा नहीं। भगवान सबका भगवान है, भगवान एक ही है, भगवान पिता है सबके। तो भगवान को अलग अलग नाम दिया गया है, कुछ लोग उनको जिहोवा बोलते हैं, कुछ लोग कृष्णा बोलते हैं, कुछ लोग अल्लाह बोलते हैं, तो अलग अलग नाम दिया गया है। अगर भगवान का कोई निंदा करता है तो वो खुद अपने पिता का निंदा कर रहा है, क्योंकि परम पिता तो भगवान ही है। निंदा करने से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि निंदांस भगवत शृण्वंस तत्परस्य जनसेवा ततोपैति नहायसोपि याति अधो सुकृताचतः। अधो गति हो जाता है उसका, भगवान का निंदा करेगा कोई आदमी तो उसका अधोगति हो जाता है। हम लोगों को उसको कोई गाली देने की जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके खुद के कर्म का उसका उसको फल मिल जाता है। इसीलिए हमको उसके ऊपर हमको कृपा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कृपा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो अगर भगवान को कुछ बोलता है तो उसका ही अधोगति हो जाता है। उसको अधोगति से बचाना है तो उसके ऊपर हमको कृपा दिखाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अज्ञान से ही आ रहा है। इस अज्ञान के कारण ही लोग नहीं जान पाते, समझते हैं कि हमें, मेरा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है। हिंदू धर्म में भी ऐसे होता है, ऐसे कहीं हिस्ट्री में देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो शिव के भक्त हैं, जो शैव है, जो वैष्णव है, इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होती है, तो ये मूर्खता है। तो हमको शास्त्र के आधार पे हमको जानना चाहिए भगवान कौन है, तो इससे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भगवान शिव जी क्या कहते हैं उसको भी ठीक ठाक से हमको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब हमको पता चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए भगवान शिव जी खुद कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम तस्मात परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सब आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु का है, मेरा नहीं है, देवी पार्वती से कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक जगह पे पार्वती उनसे पूछती हैं कि सब लोग आपका नाम ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
काशी में ध्यान कर रहे हैं, अपना शरीर त्याग रहे हैं मणिकर्णिका घाट में, लेकिन आप तो जप कर रहे हैं। किसका जप कर रहे हैं? सब लोग आपका जप कर रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे देवी पार्वती, मैं तो राम 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 रट रहा हूँ, क्योंकि भगवान राम ही मेरे इष्ट देव हैं, मैं तो उनको पूजता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मुक्ति प्रदाता ही सर्वेशां विष्णुरेव न संशयः। मुक्ति मैं नहीं देता देवी, मुक्ति तो सिर्फ विष्णु देते हैं, मैं नहीं देता, मैं तो विष्णु का सेवक हूँ। वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु है भगवान, शंभु भक्तों को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन परम भगवान जो है वो भगवान विष्णु है या कृष्ण है। तो शिव जी खुद कह रहे हैं कि मेरे इष्ट देव राम जी हैं, कृष्ण हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। इसीलिए वो कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो शंभु है। तो शास्त्र कहता है, मैंने रचना नहीं की, ये संस्कृत जो है ये भागवत पुराण में, तो वहीं पे भगवान शिव जी खुद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग नहीं जान पाते तो एक दूसरे को गाली देते हैं, या फिर किसी और का भगवान कोई अलग है, मेरा भगवान सत्य है, तुम्हारा भगवान झूठ है, ऐसे समझते हैं। लेकिन ये तो बेवकूफी है, सबका भगवान एक ही है, भगवान को अलग अलग नाम दिया गया है, बस ये समझना चाहिए। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है धर्म के नाम पे, इसलिए उन पर कृपा करनी चाहिए जो लोग ऐसा बोले, दया कर दीजिए, क्यों देखो खुद गर्त में गिर रहा है, कूद रहा है कुएं के अंदर जाकर के, अंधकार में जा रहे हैं, इसलिए उसको बिल्कुल कृपा करके उसको छोड़। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो चलिए, तो जो है बहुत मेरे ख्याल से सबके प्रश्न हो गए क्या? हाँ, बहुत बहुत टाइम हो गया है, आधे लोग ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, वरना आपका ज्यादा समय ले लेंगे तो फिर आपका भी ध्यान हट जाएगा, तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, कल फिर से 7 बजे को। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद 7 बजे फिर से, ठीक है? अच्छी सी कथा के लिए, ठीक है? और अपने सबको बता दीजिए, जितने लोग आस पास सबको बुला दीजिए, सबको बुलाइए, इसका लाभान्वित सब लोग होने चाहिए, ठीक है? चलिए एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, अनम्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और एक साथ बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे श्री बोल। चलिए हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दर पे प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी।